प्रेशर मेजरमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसको हम पूरे एक लाइन से आपको समझाते चलूंगा। अभी इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है शुरू के 3 यूनिट में। अभी इसके बाद बॉयंसी पढ़ेंगे, उसमें भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी है बहुत। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को इसको निकालता हूँ। लंबा है, चलेगा 3-4 दिन ही जैसा फर्स्ट यूनिट चढ़ा रहा, पर मेरे को इसमें कठिनाई कभी नहीं लगा कि किसी को इसमें प्रॉब्लम जाए, ऐसा यूनिट ये नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। एफएम का कोई यूनिट हैवी नहीं है, मैं सच बताऊं तो। जैसे अभी सब न्यूमेरिकल बनाए क्या फर्स्ट यूनिट का घर जा जाके, यस और नो बनाए सब लोग? कौन कौन सा बुक अटेम्प्ट किए बताओ सब लोग, कौन कौन सा बुक बुक बन? गुप्तन गुप्ता ठीक है, और कोई? गुप्तन गुप्ता एसएससी जेई, और कोई बच्चा और बनाया है एसएससी जेई गुप्तन गुप्ता? कोई स्टूडेंट जो और बनाया हो एसएससी जेई गुप्तन गुप्ता, नया पुराना कोई भी बच्चा, कोई बच्चा जो यूथ बना रहा हो, यूथ यूथ के क्वेश्चन बना रहे हो, और कोई बच्चा जो यूथ बना रहा हो अभी स्टूडेंट, ऐसा कोई सर मैडम कोई भी हो जो यूथ बना रहा हो, यूथ कंपटीशन के बुक एई जेई कोई से भी बना रहा हो, कोई एसएससी जेई बना रहा है अभी? एक दो बच्चे लोग बोले एसएससी जेई, और बाकी लोग? कल आपको बढ़िया टाइम मिला था यार, वो आप चाहते तो बना सकते हो, कोई नहीं, चलो ठीक है, आपकी इच्छा है। मैं बस एक चीज चाहता हूँ, है ना, मैं बस एक चीज चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चले, 4 क्वेश्चन बस बनाए, बस 4 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, और ठीक है 2 घंटा भी बैठोगे ना तो एस एस सी जेई और गुप्तन गुप्ता तो आपका फर्स्ट यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा 2 घंटे मात्र, ठीक है। यूथ आपको समय लगेगा, यूथ में आपको मेरे ख्याल से 6-7 घंटा लगेगा फर्स्ट यूनिट को बनाने में, 100 क्वेश्चन के लगभग है पहली बार में। दूसरी बार में तो वो 1.5 घंटे 1.5 घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन, 1.5 से 2 घंटे में, ठीक है। अभी मौका है मेरे साथ साथ इस एफएम जैसे बड़े सब्जेक्ट को खत्म करने का, मैं पूरा आप लोग का साथ दूंगा जब तक के आप लोगों को नहीं लग जाता, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि एफएम हमारा अच्छे से खत्म हो गया। मैं उसमें कहीं भी ढिलाई नहीं बरतूंगा कि आपको मैं कोई चीज को छुड़वा दूं, कोई चीज को ना करवाऊं, ठीक है। जो चीज नहीं बनता है, जो चीज छूट रहा है, मैं हर एक चीज को आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एफएम इसलिए मैं अब ध्यान दे रहा हूं क्योंकि अभी तक जेई में हम लोग छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे रैंक में चलता है हमारा कोचिंग, जेई में हमको कोई बीट नहीं कर पाता। एई में अभी फेयर कंपटीशन नहीं है क्योंकि इससे पहले एई में मैक्सिमम बच्चे जो दिल्ली हैदराबाद से पढ़ के आते थे वो जीएस के लिए दूसरे कोचिंगों में चल देते थे। जब जीएस के लिए दूसरे कोचिंग में जाते थे दूसरे लोग उनका फोटो डाल देते थे जीएस पढ़ने का या इंटरव्यू के लिए गए। तो अब एई के लिए मैं आप लोगों को जैसा हम लोग चाहते हैं तैयार करना, यदि आप लोग में से कुछ लोग जो ईमानदार हो गए, जिनको भविष्य में कुछ बनना होगा, ठीक है, अच्छा सैलरी अच्छा घर गाड़ी इज्जत पाना होगा, यदि वो सही में जूझ गए तो वो एई बन जाएंगे। ये मेरे से आप लिख के ले लो, एकदम 100% ले लो। डायरेक्टर चेंज अभी हो रहे हैं, हो गए पीएससी के, ठीक है, तो मेरे को लगता है फिर से पैटर्न चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा तो फिर से चीजें बदलेंगी और आपको मौका मिलेगा। जितना मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ एई में, एफएम और सॉम, ये 2 सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। बाकी सब्जेक्ट को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट हम इतना पढ़ाते आए हैं जिसमें मेरे को ये नहीं लगता कि आपको उसे 1 इंच भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जरूरत है बस। थ्योरी में इतना आप पढ़ते आए हो कि एई में अब तक तो उसको पार नहीं किया है एई, ठीक है। सॉम और एफएम में थोड़ा सा सॉम को पार किया जो सौरभ सर पढ़ा रहे, थोड़ा सा कुछ हिस्सों पे, एफएम थोड़ा ज्यादा पार किया क्योंकि एफएम मैं लाइट लेता था, ये मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एफएम में कोई कम चीज पढ़ाया, थ्योरी पूरा पढ़ाया, क्वेश्चंस भी बनवाता था। मैं बच्चों को ये बोल देता था कि इसका सिर्फ एई में इंपॉर्टेंस है, तो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट जेई होता था तो वो लोग एई के इसको ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन अब अपन इसको ध्यान देंगे क्योंकि मेरे को जो चीज एक्सपीरियंस में समझ में आया कि जो एफएम और सॉन्ग को क्लियर कर लेगा, यानी कि अपने पेपर के 40 से 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मिनिमम मान लो, तो उसके 40 क्वेश्चन 150 में से 100% अंदर होने वाले हैं। 35 से 40 क्वेश्चन तो होंगे, 12 से 17 क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट इससे दोनों से, तो 35 से 40 क्वेश्चन उसके अंदर हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन भी यदि उसके पक जा रहे हैं, 35 में से 30 भी बना ले रहा है, तो मेरे को लगता है वो यही बन जाएगा टेक्निकल के तरीके से। जीएस आप लोग बहुत तगड़ा पढ़ रहे हो पिछले 1.5 साल से,
अभी फिर जीएस मैं फ्री हो गया हूँ तो लेना शुरू करूंगा आप लोगों का। तो जीएस फिर से जो टॉपिक आप लोग बोलोगे, सर ये पढ़ा दो, ये अच्छे से नहीं बना, ये समझ में नहीं आया, मैं उस सब्जेक्ट को लूंगा आप लोगों का। साइंस भी मैं ही लूंगा, अभी शुरू करूंगा अब लेना शाम से, तो कुछ दिन में आप लोग का वो भी शुरू होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ो भैया, अब यही बनने का समय आ गया है, अच्छी बात है। 2 साल से यही ढंग से आया नहीं है, तो मेरे को उम्मीद है इस बार बल्क में थोड़ा पोस्ट आए जो मेरा कैलकुलेशन बढ़ता है। तो जितने लोगों को ये लगता है कि वो यही बन सकते हैं, वो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। चलो आज हमको एक यूनिट पढ़ना है दोस्तों, इसका नाम है प्रेशर मेजरमेंट। इस यूनिट का नाम है दोस्तों प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट हमको क्या बताता है, क्या दिखाता है, कैसे कैसे होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, ठीक है। प्रेशर दो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होता है। फर्स्ट डेफिनेशन जो कॉमन डेफिनेशन है, इट इज दी रेशियो ऑफ, इट इज दी रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स टू यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर एक रेशियो है अप्लाइड फोर्स का यूनिट एरिया के साथ, ठीक है। इसका यूनिट होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर, जो भी लेना चाहो वो ले लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इसका डेफिनेशन हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट डेफिनेशन इसका कौन सा होता है, जो हम थोड़ा सा टिपिकल वे में देना चाहते हैं, जब हमको कंपैरिजन करने बोला जाए इंटरव्यू में कि प्रेशर को स्ट्रेस से कंपेयर करो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं प्रेशर इज दी यूनिट टू मेजर दी, प्रेशर इज द यूनिट टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ, टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर इज द यूनिट, प्रेशर इज द यूनिट टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ओवर ए यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या चीज है, सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा, प्रेशर इज द यूनिट ऑफ यूनिट टू, प्रेशर इज द यूनिट कॉमा टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ओवर ए यूनिट एरिया। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उत्पन्न किए गए, उत्पन्न किए गए प्रभावों को नापने का एक तरीका है। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभावों को नापने का एक तरीका है, ब्रैकेट के अंदर लिखना किसी इकाई क्षेत्रफल में, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा किसी इकाई क्षेत्रफल में। हिंदी वाले हिंदी में लिखते चलना भैया लोग, ठीक है, दोनों में लिखना प्लीज, जिन लोग कॉमन वाले हैं, बाकी आप कैसे मैनेज करते हो आपके ऊपर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ, पहले एक साथ बोलता था, थोड़ा अलग अलग करके बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आते हैं, प्रेशर हमको समझ में आया, अब यहाँ पर पे आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। आज बोर्ड थोड़ा छोटा है, चला लीजिएगा प्लीज, कोई हिस्सा नहीं दिखाई देगा तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हिस्से में आते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रेशर के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझना, हम लोग एक स्टैंडर्ड चीज सुनते हैं मीन सी लेवल, सर्वे में आपको हमेशा बताता हूँ, जिन लोग सर्वे पढ़ चुके हैं वो बता भी देंगे तुरंत, मीन सी लेवल हम लोग कहाँ नापते हैं इंडिया का, जल्दी बताओ, यदि ये इंडिया है, चलो बताओ सब लोग जो सर्वे पढ़ चुके हैं, तो मीन सी लेवल कहाँ पे नापते हैं, मुंबई हाई के पास, ठीक है। यहाँ पर बॉम्बे के पास में मुंबई हाई नाम की एक जगह है, यहाँ पे मीन सी लेवल, मीन सी लेवल का कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट 19 ईयर के टाइड्स, टाइड्स मतलब जो लहरें ऊपर और नीचे होती, ज्वारा भाटा जिसको बोलते हैं हम लोग, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का एवरेज होता है लास्ट 19 ईयर का, ठीक है। ये होता है मीन सी लेवल। इस मीन सी लेवल
ठीक है, कि बात नहीं करना है अपन को प्रेशर में, अपन को प्रेशर में बात करना है सी लेवल का। किस चीज का? सी। दोनों में अंतर क्या है सर? वो भी तो सी लेवल था, ये भी सी लेवल, वो था मीन सी लेवल। मीन मतलब लास्ट 19 ईयर का हमने क्या निकाला था? मीन निकाला। ये है सी लेवल। सी लेवल मतलब एट प्रेजेंट, ध्यान से समझिएगा बात को ध्यान से, एट प्रेजेंट जो भी आपका सी लेवल होगा, उस सी लेवल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट वन इज नोन एज, ठीक है, दैट वन इज नोन एज सी लेवल प्रेशर। ठीक है, सबको समझ में आया? तो सर्वे से ये कैसे अलग है, मीन सी लेवल से ये कैसे अलग है? मीन सी लेवल लास्ट 19 ईयर के टाइड्स, हाई एंड लो टाइड्स, नॉर्मल लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, हाई एंड लो टाइड्स का एवरेज होता है। जबकि मैं जो प्रेशर सिखाने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहला जानकारी हमको चाहिए था व्हाट इज सी लेवल। तो जो करंट सी लेवल रहेगा वही हमारे लिए अभी स्टैंडर्ड डेटम का काम करेगा। डेटम क्या होता है? एक इमेजिनरी रेफरेंस सरफेस जिससे हम किसी भी जगह के पॉइंट का एलिवेशन मेजर करते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। वो सब आपको भी नहीं जानना, जो काम की चीज है वो मैं मेन लिखवाऊंगा और बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनते जाओ। जो सर्वे वाले हैं उन लोगों को रिकॉल करा रहा हूँ, जो सर्वे बच्चे नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लो, उनके सुनने लायक अभी इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, उन लोग का अब शुरू होगा। मुद्दा ये है कि यदि मैं प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो किसी भी प्रेशर को मैं स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेरिक जो बोलते हैं वो प्रेशर किसको बोलूंगा? मीन सी लेवल को। मान लेते हैं ये मेरा सी लेवल, मीन सी लेवल बोलते हैं, ये मेरा सी लेवल है। कौन है? सी लेवल है। इस सी लेवल पे जो भी प्रेशर आएगा दोस्तों, जो भी प्रेशर आएगा यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या फिर और स्टैंडर्ड प्रेशर, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, कंजेस्टेड है, चला लीजिएगा, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है दोस्तों। जो भी प्रेशर सी लेवल पे एग्जर्ट करेगा, किस पूरे वर्ल्ड के, हमारे ग्लोब के अंदर समुद्र के तल पे जो भी प्रेशर होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अब मैं आपको हमेशा कहानी सुनाता हूँ, कहानी तो याद हो गया होगा, हर पेपर हर सब्जेक्ट के अंदर एक से दो बार सुनाता हूँ कि पानी के अंदर जाओगे तो कान और नाक में दर्द करता है। क्यों क्यों दर्द करता है कान और नाक? क्योंकि उसको दबाते रहता है बाहर से। क्यों? क्योंकि पानी हमारे बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, और कोई भी फ्लूड है हमको पता है नियम, आगे एफएम में भी पढ़ेंगे, वो हमेशा किधर से किधर बहता है? हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की ओर, यस और नो? तो इसका साफ मतलब है हाई टोटल हेड में तीन प्रकार के हेड होते हैं, प्रेशर हेड P1/γ, P/γ प्लस डेटम हेड Z प्लस वेलोसिटी हेड V1² / 2G। आगे इसको एफएम में ही पढ़ेंगे हम लोग, एफएम का ही मेन कॉन्सेप्ट है ये। यानी कि इसमें प्रेशर हेड भी हमको पता चल रहा है, यानी कि जब मैं नीचे पानी के अंदर जाते जाता हूं तो मेरे कान और नाक में दर्द इसलिए करता है क्योंकि सराउंडिंग वाटर मेरे अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसका मतलब है पानी अंदर मेरे बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि पानी हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की ओर जा रहा है। हाई टोटल हेड सराउंडिंग वाटर है, लो टोटल हेड मेरे बॉडी के अंदर का प्रेशर है, यानी कि पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जितना आप गहराई में जाते जाओगे प्रेशर उतना बढ़ता जा रहा है, यस और नो? कहानी मेरी सबको समझ में आ रही? हाँ कि नहीं जल्दी बोलेंगे, ठीक है, क्लियर होते चल रहा है? जितना मैं ऊपर जाते जा रहा हूं, जितना सॉरी नीचे जाते जा रहा हूं, प्रेशर उतना बढ़ते जा रहा है। कहां से? सी लेवल से। तो नीचे जाने के साथ, अभी हिंदी में लिख रहा हूं एक वर्ड, बाद में इसको मैं कन्वर्ट करके अच्छे से आपको समझाऊंगा। नीचे जाने के साथ, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जाता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो हम लोग कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कि आप फ्लाइट में जाओ तो कभी भी इंक, क्या बोलते हैं उसको, नीब वाला जो पेन आता है, अरे जिसमें इंक भर के लिखते हैं थे, भारी सुंदर राइटिंग बनता है, फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन लेके नहीं जाना चाहिए। या फिर वो क्या बोलते हैं, और जो स्टिक का पेन होता है, जो तुम पायलट पेन हम लोग एक्चुअली यूज करते थे, मेरी दीदी का राइटिंग बहुत अच्छा था, वो ये सब करा करती थी, तो मैं तो देखता बस था, कभी मैं तो उपयोग नहीं किया,
हम तो मांग मांग के चला लिए पेन, तो वो सब पेन को लेके फ्लाइट वगैरह में नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाई में चढ़ोगे तो आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी कि वायुमंडल का दबाव आपके बॉडी के अंदर के दबाव से कम होगा। सराउंडिंग प्रेशर जो है वो कम होगा आपके बॉडी के अंदर के प्रेशर से, तो आपके बॉडी के अंदर भी तो फ्लूड बह रहा है, किस रूप में? ब्लड के रूप में। तो आपकी नाक से क्या होगा? खून आएगा जब आप पहाड़ चढ़ोगे, तो जब आप प्लेन में जाओगे तो आपके पेन के अंदर जो प्रेशर के साथ इंक को भरा गया है वो प्रेशर ज्यादा है सराउंडिंग के प्रेशर से, तो क्या होगा उस निब का या उस इंक का, वो इंक क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो आपका पेंट खराब हो जाएगा, जिसमें भी रखे रहोगे शर्ट पेंट, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। तो जैसे से हम ऊपर चढ़ते हैं हमको ये पता चलता है कि प्रेशर ऊपर चढ़ने के साथ, ऊपर जाने के साथ प्रेशर क्या होता है जल्दी बताओ? कम होता है, प्रेशर कम होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी भी एक पॉइंट पे, ध्यान से समझते चलना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी भी एक पॉइंट में ऊपर जाने पे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ऊपर जाने पे मेरे को जो प्रेशर मिलता है दोस्तों, मेरे को जो भी प्रेशर मिलता है वो प्रेशर कहलाता है गेज प्रेशर। जो प्रेशर मिलता है वो कहलाता है गेज प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर मिलता है वो क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। समझते चलिएगा सब लोग, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये यहां तक का कहानी सबको क्लियर हुआ? यस और नो, जल्दी बताएंगे। ऊपर जाने पे जो प्रेशर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में आप लोग को पिछले क्लास में बोला था कि चूंकि गेज प्रेशर हमारे अगले अगले चैप्टर में काम का है, तो हम वहां पे उसको अच्छे से समझेंगे। अब वो आ गया गेज प्रेशर। गेज प्रेशर किसी भी स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ एट ए टाइम जो प्रेशर आ रहा है उसकी तुलना को हम गेज प्रेशर कहते हैं। क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ, अभी स्टैंडर्ड प्रेशर कौन है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ जो किसी अन्य प्रेशर को, किसी भी पॉइंट के अन्य प्रेशर को यदि हम तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं उसके बीच, तो वो जो प्रेशर निकल के आता है वो क्या कहलाता है सर? गेज प्रेशर कहलाता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में है? यस और नो, जल्दी बताएंगे भैया लोग सब लोग, ठीक है, सभी को समझ में आते चला? इसे हम क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। यदि ध्यान से देखना, यदि मैं मीन सी लेवल से ऊपर की ओर जाता हूं तो प्रेशर क्या हो रहा है जल्दी बताओ? यदि ये 10 है तो ये रीडिंग इसका 10, अभी प्रेशर के यूनिट छोड़ दो, यदि ये 10 यूनिट में है तो इसका रीडिंग 10 से ज्यादा होगा कि कम होगा, कौन बताएगा? प्लीज बताओ जल्दी से। यदि ये 10 है तो 10 से कम होगा, मानते हैं ये 8 है, और इसका इसका यूनिट क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा? प्लीज बताओ, इसका वैल्यू बढ़ेगा। चलो 12 मान, चलो 12 मान लेते हैं। तो अब यदि मैं इसके साथ इसकी और इसकी तुलना करूं तो तुलना कैसे की जाएगी? कंपैरिजन, 10, 10 माइनस 8 एंड 10 माइनस 12, बताओ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आई, ऊपर वाली कि नीचे वाली? जल्दी बताओ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आई? ऊपर वाली। दिस वन इज +2, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव गेज प्रेशर। यस और नो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ कि ना भैया लोग, इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव गेज प्रेशर। ये वैल्यू कौन सा है जल्दी बताओ? -2, तो ये क्या कहलाएगा जल्दी बताओ? निगेटिव गेज प्रेशर। पहले यहां तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताओ यस और नो, बोलेंगे भैया लोग, ठीक है। मैं एक एक करके सारा चीज समझाता हूँ, लिखने उपने वाला काम एक साथ करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पहले समझ लो। यदि आप समझे रहोगे तो आपकी कॉपी में आप खुद से लिख सकते हैं, उसका हेडेक नहीं रहेगा। मेरे लाइफ, मेरे जिंदगी में हेडेक इस चीज का है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक का हिस्सा क्या हम सभी को समझ में आया है? कौन बताएगा? आ गया सबको? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? हाँ कि ना दोस्तों, जल्दी बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अभी सुनते चलना ना कुछ चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं सुनाते चलूंगा, समझाते चलूंगा, समझ में आ गया तो बेस्ट हमारे लिए। ये बीच सेंटर लाइन, इसको क्या मान लो? चलो मैं, ये है
एटमोस्फेरिक प्रेशर लिखे इसका छोटे शब्दों में क्या लिख दिए एटीएम। तो आज से एटीएम लिखा है मतलब वो कौन सा प्रेशर है जल्दी बताओ, एटीएम लिखा है मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये यूनिट भी बनेगा आगे चल के, क्या बनेगा यूनिट भी बनेगा दोस्तों, ठीक है आगे चल के ये चीज यूनिट भी बनेगा। इससे हम ऊपर गए दोस्तों, इससे हम ऊपर गए और किसी भी एक रैंडम प्रेशर को नापे, ये कहलाया पॉजिटिव गेज प्रेशर। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा इसमें आप लोग कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन कहां पे आता वो भी बता दूंगा। फिर जब मैं इसे कहीं भी नीचे गया तो मेरे को मिला नेगेटिव गेज प्रेशर। अच्छा क्यों मिला ये तुमको मैं सिखा दिया कि ऊपर जाने में पॉजिटिव मिल रहा, नीचे आने में निगेटिव क्यों मिल रहा है तुमको पता है कि तुम इससे इसको माइनस कर रहे हो और इसको माइनस कर रहे हो इस, क्योंकि इससे तुम इन लोगों को तुलना कर रहे हो। गेज प्रेशर क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है, विद सराउंडिंग एटमोस्फियर। सराउंडिंग एटमोस्फियर के साथ कंपैरिजन किया तो एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, दिस वन इज नोन एज निगेटिव गेज प्रेशर। समझ। अब पॉजिटिव गेज प्रेशर तो हमारे जिंदगी में हमको रोज दिखाई देता है, ठीक है। पॉजिटिव गेज प्रेशर हमारे लाइफ में हमको रोज दिखाई, क्योंकि हम जनरली इस जमीन या समुद्र से ऊपर रहते हैं। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सामान्यतः हम इस जमीन या इस समुद्र से ऊपर ही रहते हैं, तो सामान्यतः हमको हमेशा इस पॉजिटिव गेज प्रेशर की अनुभूति होती है, ठीक है। हम इसका फील करते हैं, इसका पॉजिटिव गेज प्रेशर का, समझते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पर जब भी हम नीचे जाते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं निगेटिव गेज प्रेशर। दोस्तों जो निगेटिव गेज प्रेशर होता है ये एक तरीके से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर रहे हो। कम करने के लिए आपको इसके अंदर सीधा सीधा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस जो प्रेशर को एक और नाम दिया जाता है आगे चल के, इसे कहा जाता है वैक्यूम प्रेशर। दोस्तों क्या कहा जाता है, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, हमारा स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में प्रेशर ना के बराबर, ऐसा नहीं कि जीरो होता है, 10^-6 एटीएम बार के बराबर होता है। लेकिन यदि मैं ये मानूं कि उसको यदि मैं कैलकुलेटिव वे में लूं तो वो बहुत ज्यादा कम होता है, हम उसको नगण्य मान के चलते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों, इसे कहा जाता है दूसरे शब्दों में वैक्यूम प्रेशर। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन कहां में होता है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं या पढ़ने के समय ये सोच लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हम जो प्रेशर निकाल रहे हैं वो प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है और नीचे वाला वैक्यूम प्रेशर, जबकि हैं दोनों ही गेज प्रेशर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि गेज प्रेशर स्टैंडर्ड सराउंडिंग प्रेशर के साथ एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट की बात की जा रही है उसकी तुलना होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई, यस और नो जल्दी बताओ, ठीक है। जैसे जैसे मैं वैक्यूम प्रेशर में आगे बढ़ता जाऊंगा, ये मेरा वैक्यूम प्रेशर है, जैसे जैसे मैं वैक्यूम प्रेशर में आगे बढ़ता जाऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका मान कम होता जाएगा, यस और नो जल्दी बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ, गेज प्रेशर का मान और कम होता जाएगा, निगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता हूँ सॉरी, गेज प्रेशर का मान और ज्यादा निगेटिव में आता जाएगा, यस और नो जल्दी बताओ, क्योंकि नीचे बढ़ रहा हूं मैं, समझते चलिएगा सब लोग, ठीक है। तो यहां पर पे एक प्रेशर आएगा दोस्तों, जहां पर पे एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसा रैंडम पोजीशन जहां पर पे मैं ये मानूंगा कि प्रेशर क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, ठीक है। ये जनरली अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर होगा, ठीक है, अंदर नहीं हो सकता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ भी नहीं हो सकता है, उसका भी कॉन्सेप्ट आगे चल के आप ऐसे फिजिक्स में पढ़े हो स्कूल टाइम में, पर नहीं हो सकता है, और ये होगा जनरली आपके अर्थ एटमॉस्फेयर सरफेस के बाहर। माना कि, मान लेता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा कि अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे प्रेशर जीरो है, दैट वन इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। हम उस प्रेशर को क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी से बताओ, हम उस प्रेशर को क्या बोलेंगे सर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। सबको समझ में आते चल रहा है, यस और नो जल्दी बोलेंगे भैया लोग,
मेरी बात सभी को क्लियर है? हम उस प्रेशर को बोलेंगे दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या बोलता है और कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मतलब क्या बताना चाहता है, क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, अभी समझते हैं। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एक ऐसी काल्पनिक अवस्था है पृथ्वी के अंदर जहां पर पे हम यह मान ले, देखो निगेटिव गेज प्रेशर तो होगा, ये तो पॉसिबल है कि आप जितना गहरा जाते जाओ। देखो हम लोग के उसमें पुराने कहानियों में पाताल लोक का वर्णन होता था, पाताल लोक में मानते थे कि हम लोग वही आदमी जा सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा पावर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पावर का क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब आप अंदर जाओगे तो आपको ताकत ऊपर जाने की तुलना में बहुत ज्यादा लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रेशर की तुलना में ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर आपकी बॉडी को दबा के तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपको पाताल लोक जाना है तो ताकत तो ज्यादा लगे करेगा, ठीक है। तो अभी मुद्दे पे वापस आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसी अवस्था है काल्पनिक अवस्था पृथ्वी के अंदर जहां पर पे प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर का मान शून्य हो जाएगा दोस्तों, जहां पर पे किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं लग रहा होगा बॉडी के ऊपर, आप हवा में उड़ने लग जाओगे, सिंपल बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस एब्सोल्यूट प्रेशर से, ठीक है, इस एब्सोल्यूट प्रेशर से यदि मैं किसी भी पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहूं, इस एब्सोल्यूट प्रेशर से यदि मैं किसी भी पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहूं, समझिएगा सब लोग, तो उस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ना, उस पॉइंट के प्रेशर को मैं नाम दूंगा किसी भी पॉइंट का, यहां 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 यहां, किसी भी पॉइंट का निकालना चाहूं उस प्रेशर को मैं नाम दूंगा दोस्तों एब्सोल्यूट, मेरे को एब्सोल्यूट का स्पेलिंग नहीं आता है तो देख के लिख लेना, ठीक है। उस प्रेशर को नाम दूंगा दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एक काल्पनिक अवस्था है, एक पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन से जब मैं, इस जीरो प्रेशर से जब मैं प्रेशर को मेजर करना शुरू करूंगा किसी भी पॉइंट के, दैट वन इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, तब उसे मैं क्या कहूंगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहूंगा। इस प्रकार से मेरे पास कितने प्रकार के प्रेशर आते हैं ध्यान से देखेंगे एक डायग्राम में। फर्स्ट वन इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये आप लोग का सेम जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, ये आप लोगों को जो बुक भेजा हूँ बंसल की बुक, उसमें आपको थ्योरेटिकल वे में पूरा मिल जाएगा, मैं उसी को एक डायग्राम के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सुब्रमण्यम का बुक सबसे अच्छा है, ठीक है। यदि पढ़ना चाहो मेरे पास जो था मैं पीडीएफ के रूप में उसको भेज दिया, तुम लोग तो टेलीग्राम के किंग हो, तुम लोग उसमें खोल लेना भाई, मेरे को एक स्टूडेंट भी इसको भेजा था, मैं इसी को आप लोग को भेज दिया। चलो तो ये है दोस्तों एटमोस्फेरिक प्रेशर, पहला हमने पढ़ा एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे नापा जाता है बताओ सब लोग जल्दी से, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे नापा जाता है सर, फटाक से बताएंगे सभी लोग, सी लेवल पे, बहुत बढ़िया। देट उसके बाद आता है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या कहां पे नापा जाता है जल्दी बताओ, गेज प्रेशर कहां पे नापा जाएगा, ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, बिल्कुल ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबव या बिलो, हम किसी भी पॉइंट पे जब कोई प्रेशर निकालते हैं और उसका कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ करते हैं, सिर्फ निकालना नहीं उसका कंपैरिजन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ करते हैं तब वो प्रेशर कहलाता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का वैल्यू कैसा हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप आंसर दोगे बोथ, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही, इस साइन को मिटा देता हूँ, तुम लोग कंजर्व करोगे। नेक्स्ट आते हैं गेज प्रेशर के बाद अगले प्रेशर में आते हैं, जब निगेटिव गेज प्रेशर की ओर हम जाते हैं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉमनली, उस प्रेशर का उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर की कहानी मैंने आपको जो बताई, पूरे स्पेस वाला कॉन्सेप्ट वाला आएगा। वैक्यूम प्रेशर के बाद यदि हम ये मान लें कि एक समय आके पूरा प्रेशर जीरो हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, निगेटिव के बाद जीरो में पहुंच जाते हैं हम, यानी कि ये मान लेते हैं कि हम पृथ्वी के बाहर निकल गए, निगेटिव के बाद तो जीरो पहुंच नहीं सकते, ऐसा टेबल क्रम पढ़ते हैं, ये शून्य है, ये एक दो तीन चार पांच ऐसा, और इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यदि आप माइनस चलना शुरू कर दिए तो अब आप जीरो नहीं आ सकते। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, यस और नो, दोनों साइड इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अभी आप जीरो नहीं आ सकते, तो ये पृथ्वी के अंदर कौन सी स्थिति होगी, काल्पनिक स्थिति। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, यस और नो,
क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रहा है? हाँ, स्पेस में ये प्रेजेंट है बिल्कुल, पर पृथ्वी के अंदर ये स्थिति कौन सी है? काल्पनिक स्थिति, क्योंकि यदि मैं माइनस में काउंटिंग शुरू कर चुका हूं और माइनस में नीचे आगे बढ़ते जा रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5 गेज प्रेशर में, तो अब ये एब्सोल्यूट जीरो की कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। ये काल्पनिक स्थिति है जिसमें हम ये मानते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जीरो होगा, पृथ्वी में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, फिक्स पोजीशन नहीं है जहां पे हम ये मान लें कि पृथ्वी का यहां पर पे दबाव शून्य है। ठीक है, कम हो सकता है पर शून्य नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एक काल्पनिक स्थिति होगी, ये पोजीशन होगा जहां से हम बाकी के प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। अब एब्सोल्यूट जीरो को मैं नीचे मान लिया हूं वैक्यूम के बाद, अब यहां से मैं जो भी प्रेशर निकालूंगा किसी भी पोजीशन पे, दैट वन इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, जीरो प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये पोजीशन वाला क्या कहलाता था? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब यहां पर पे मुद्दा आता है, गर्म मुद्दा ये है कि भाई मान लेते हैं, ठीक है अभी सब बाद में लिखेंगे, पूरा समझ में कीजिए एक बार में, पूरा तुम लोग 15 मिनट के 5 मिनट तुम लोग को दूंगा, 5 से 6 मिनट तुम लोग पूरा लिख डालोगे। मान लेते हैं कि चलो इसमें से कोई भी एक पोजीशन दे दो, मैं लिया ए, मैं लिया बी, मैं लिया सी, मैं लिया डी, कोई भी मेरे को एक पोजीशन बोलो। चलो कौन सा पोजीशन बोलोगे तुम लोग? ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, ये एब्सोल्यूट जीरो है। चलो कोई भी एक पोजीशन चूज करो, ए बी सी डी में, चार तुम लोग को चार ऑप्शन दे दिया मैं, सब जगह ले दिया हूं मैं, ठीक है तुम लोग बताओ किसको लू? बोलो बोलो अपने मन से बोलो, कोई सा भी एक नाम बोल दो। चलो तीन तीन अलग अलग बोल दिए, चलो ठीक है बी बोल रहे तो बी ले लेते हैं, पहले सी और ए को डील करते हैं, बी ऑटोमेटिक डील हो जाएगा, बी का चिंता मत करो। वैसे बी ले सकते हैं अपन, पर बी डायरेक्ट समझाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। चलो ए और सी में से किसी भी एक को ले लेते हैं, मान लिया मैं सी को लेता हूँ, ठीक है मान लिया मैं सी को लेता हूँ। अभी देखिएगा सी से इस जीरो से यहां तक का प्रेशर क्या कहलाया? चलो बताओ मेरे को यहां तक का प्रेशर क्या कहलाया? एब्सोल्यूट प्रेशर, यही कहलाएगा यस और नो? ठीक है सर, ये कौन सा प्रेशर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर से यहां तक का प्रेशर क्या कहलाया जल्दी बताओ? या शाबाश बहुत बढ़िया, पॉजिटिव फेज प्रेशर। अच्छा ये पूरे लाइन पर भी मैं कंपेयर करूं, ये पूरे लाइन को, तो पहली बात ये यदि 10 था मान लो, तो ये कितना था? शून्य, यस और नो जल्दी बताओ होगा। और मान लो, मान लो ये यदि 12 है, ठीक है यदि 12 सॉरी यदि 8 है मान लो, ठीक है निगेटिव पॉजिटिव गेज प्रेशर है, मान लो ये 8 है तो ये कितना आ रहा होगा? धन 2, यस और नो? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? अब मेरे को यहां से समझिएगा ध्यान से ना, यहां से यहां को कैलकुलेट करना है कितना यूनिट क्वांटिटी आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो सब लोग कितना यूनिट क्वांटिटी आता है, कौन बताएगा? चलो कैलकुलेट कर, एकदम इजी। चलो इसको छोड़ो, ये यूनिट को छोड़ो, इसकी भी बात छोड़ो, इसको नॉर्मली लेते हैं अपन, एकदम इजी कर देता हूं। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, मैं इतनी क्वांटिटी जो यहां से यहां तक आई प्लस इतनी क्वांटिटी जो यहां से यहां तक है लिख सकता हूं, यस और नो जल्दी बताओ? क्या मैं इतना लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इतनी क्वांटिटी जो इस जीरो से, ध्यान से सुनना, जीरो से मैं यदि रैंडम कोई पॉइंट लेता और यहां नीचे लिखा था तो ये लिखा था निगेटिव गेज प्रेशर, यस और नो? समझना ये अंतर कहां पे, बच्चों को डाउट कहां पे होता है, दिक्कत कहां पे आता है? इस जगह पे, यदि मैं यहां से यहां लूं तो ये निगेटिव गेज प्रेशर है, पर क्या निगेटिव गेज प्रेशर के नीचे जाते जाऊंगा तो ये संभावना है क्या कि कहीं मेरे को एब्सोल्यूट जीरो मिल जाए? तुम लोग बताओ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि इसके नीचे जाते गया तो एक बार जीरो मिल गया, एब्सोल्यूट जीरो, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को फिर बिगाड़ डालते हैं। चलो मैं इस लाइन को बस हम नीचे दर्शाए हैं बुक के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव गेज प्रेशर में नीचे जाते जाओगे तो आपको एब्सोल्यूट जीरो मिल जाएगा। वो कंडीशन अर्थ के अंदर तो इन द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? यस और नो जल्दी बताएंगे, ठीक है? तो ये जीरो से ये वाला जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है दोस्तों? एक तरीके से यदि ये 10 था, ये शून्य था, तो ये वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है 10 होगी, हाँ कि ना? ये यहां से यहां तक की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी? 10 होगी,
क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ कि ना, जल्दी बताएंगे भैया लोग। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं प्लस माइनस 10-20 शून्य को हटा दे रहा हूं, तो इससे मेरे को एक चीज मिला कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है, पी एटमोस्फेरिक प्लस माइनस पी गेज। देखो तो यही चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जल्दी से बताओ फटाक से बोलने का। यस सर नो, यदि मेरे को इस एक पॉइंट का, सी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए था, तो मैं दो चीजों को जोड़ा, यहां से यहां तक को, ये हिस्से को प्लस ये हिस्से को। अभी वो प्लस है कि माइनस वो बाद में देखेंगे, मैं यहाँ पे केवल दोनों चीज लिख दिया हूं, प्लस है माइनस, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? यस और नो, जल्दी बोलेंगे, सबको क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया। यदि मैं अब ए पॉइंट को लेता हूं, जैसे मैं तुम लोगों को सिखाना चाह रहा था, उसके लिए मैं जानबूझ के बी को नहीं दिया तुरंत। अब यदि मैं तुम्हारे लिए ए पॉइंट को लेता हूं, तो ए पॉइंट पे देखो क्या होता है, यहां से यहां तक पहला एक हिस्सा हुआ और यहां से यहां तक दूसरा हिस्सा हुआ। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? देखो जल्दी से बताओ, हाँ कि नहीं? ये सब आ रहा है सबको समझ में? यहां पर पे ये पूरा यहां तक पहुंचने पे, ये पूरे हिस्से में पहुंचने पे हम लोगों को क्या क्या मिलता है देख के बताओ। चलो इस पूरे, इसको जोड़ो और निकाल के दिखाओ मेरे को क्या मिलता है, फिर मेरे को आगे बताना दोस्तों तुम्हें कि सर ये चीज आया हमारा, तो मैं तुमको आगे समझा पाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू सेम P एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस P गेज। अब तुम लोगों को मेरे को बताना है कि मैं किस केस में प्लस लू और किस केस में माइनस लू। अच्छा, अब B तो एकदम इजी हो गया, जिन लोग B बोल रहे थे उन लोगों के खेल खत्म, क्योंकि B में गेज नाम का शब्द आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। B में गेज नाम का शब्द नहीं आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, P एटमोस्फेरिक प्रेशर। यस और नो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ कि ना भैया लोग? तो B तो सबसे आसान था, अब मेरे को तुम A और C में सिखाओगे, तुम लोग सिखाओगे, सब सब बोलना कि कहां पर पे मैं गेज प्रेशर को पॉजिटिव लू और कहां पर पे मैं गेज प्रेशर को निगेटिव लू। सर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सी में पॉजिटिव और ए में नेगेटिव, चलो कैसे करेंगे बताओ। और कोई पहले एक एक दो तीन आंसर सुन लो, फिर मैं आंसर बोलूंगा। और बोलो, बस दो जन मैडम लोग, सर लोग को क्या हो गया है, बोलो भैया, बोलो बोलो, टाइम आ रहे, ट्राई करोगे तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, तुम बोलोगे तो बनेगा, ऐसा तो नहीं सुबह 7 बजे जॉब में चल देते हो तुम। तुम लोग बताओगे तब तो मैं समझ पाऊंगा, तुम लोग बताओ। अच्छा ऐसे करते हैं, अब इसको प्रेशर भाग में दिया, प्रेशर हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग जितने लोग आंसर दिए लगभग सही है, मैडम लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। तुम मत सोचो कि प्रेशर, तुम बोलो ये हाइट है, ठीक है, मेरी हाइट है मान लो, या तुम्हारी हाइट है, ये पैर है, यहां पर पे अपनी हाइट कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है सर, कितना होगा हाइट बताओ जल्दी से, नीचे पैर के पास हमारा हाइट कितना होता है, कौन बोलेगा यार, बोलो बोलो सर, जो ऑब्वियस सा बात है सर, जीरो होगा, कोई नया बात पूछ ही नहीं रहो आप, ठीक है भाई जीरो होगा मान लिए, ठीक एक सेकंड रुकेगा, ये पैर के पास हमारा हाइट क्या हुआ, जीरो हुआ। अब मैं पैर से नहीं नाप रहा हूं, मान लो मैं कोई एक रैंडम हाइट लेता हूं और वहां से नीचे आ रहा हूं, ठीक है, रैंडम हाइट लेता हूं वहां से नीचे आ रहा हूं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाइट है, ये एक जगह है मान लो, और ये जगह फिक्स है कि ये यूनिट 0 से 10 पे है, ये फिक्स है, यानी कि किसी 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से समुद्र तल का प्रेशर कितना ज्यादा है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, 10 ATM ज्यादा है, अभी यूनिट बाद में देखेंगे, 10 ज्यादा है समझ लो, हाइट के टर्म में 10 ज्यादा है। अब ये 10 हाइट यहां तक का है, यानी कि 0 से ये हिस्सा कितना हो गया जल्दी बताओ, ऑब्वियस बात है 10 हो गया। अब मैं ऊपर से कहीं नीचे आऊंगा,
तो हाइट ऊपर से यदि ये 12 होगा तो मैं यहाँ 2 उतरूंगा और यहाँ 10 उतरूंगा, यस और नो जल्दी बताओगे, हाँ कि नहीं? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एकदम इजी चीज सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो ये वाला ट्रिक अपनाना, हाइट वाला। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, उन लोग तो उस हिसाब से हमारे पास एकदम इजी सा आंसर निकलता है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस माइनस पी गेज, वेयर पॉजिटिव साइन इज यूज फॉर पॉजिटिव गेज प्रेशर एंड निगेटिव साइन इज यूज फॉर निगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में आ गया उन लोगों को तो बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर जाने पे ये कम हो रहा है, तो कम हो रहा है यानी कि हमको यहां से यहां तक के चीज को ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको हम बाकी चीज को ऐड करेंगे। नीचे आने के लिए हमको चीजों को ऐड करना पड़ेगा, ऊपर जाने पे चीजें कम होती जा रही है, तो नीचे आने पे हमको उन चीजों को ऐड करना है, तो यहां तक आप ऐड करोगे उसके बाद तो ये ऑटोमेटिक एटमोस्फेरिक है। तो जिन लोग को समझ में आ गया उनके लिए बहुत आसान है, बाकी लोग अब लिखना शुरू करेंगे। हमारे पास टोटल कितने प्रेशर है, चलो एक कॉलम बना लेते हैं लाइन। सबसे पहला प्रेशर क्या होता है वो तो तुम लोग लिख लियोगे, अब बस अब उतना छापने वाले तो तुम लोग हो। अभी प्रेशर के टाइप्स में थे, फर्स्ट प्रेशर कौन सा चलो बताओ, पहला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड प्रेशर, कहां पे नापाता है बताओ जल्दी से, कहां पे मेजर किया जाता है? एट प्रेजेंट जो सी लेवल है, पॉइंट नंबर टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद कौन सा प्रेशर आता है बताओ जल्दी से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है जल्दी बताओ, गेज प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक बिल्कुल सही, किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके अबव या बिलो, या सी लेवल के लिखना, सी लेवल के अबव या बिलो हम किसी भी पॉइंट पे कोई प्रेशर मेजर करते हैं और उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपेयर करते हैं, तो वह जो प्रेशर आता है वो क्या कहलाता है, गेज प्रेशर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? उसे क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर के प्रकार बताओ, चलो गेज प्रेशर के प्रकार कौन कौन बताएगा, दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। तीसरा प्रेशर आता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर और कुछ नहीं क्या है जल्दी बताओ, वैक्यूम प्रेशर और कुछ नहीं क्या है, निगेटिव गेज प्रेशर। फिर आता है एब्सोल्यूट, बोलो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है अर्थ सरफेस में, जहां पर पे हम प्रेशर को क्या मान लेते हैं जल्दी बताओ, जीरो मान लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये एब्सोल्यूट जीरो के बाद आते हैं, अगला एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो को रिफरेंस मानते हुए जो भी हम प्रेशर लेते हैं। अब ये बताओ एब्सोल्यूट जीरो के नीचे जा सकते हैं क्या हम लोग? बहुत लोग सोचते हैं इसके नीचे को वैक्यूम बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। एब्सोल्यूट जीरो के नीचे को कभी भी वैक्यूम नहीं कहा जाता, ठीक है? एब्सोल्यूट जीरो से हम नीचे नहीं जा सकते, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ही हम जाएंगे और जो भी प्रेशर नापेंगे वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, पांच पॉइंट हो गया। पांच पॉइंट के बाद हमको सिक्स्थ पॉइंट, प्रेशर डिफरेंस। इसमें एक और प्रेशर पॉइंट निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। जनरली लोग गेज प्रेशर को ही प्रेशर डिफरेंस बोल देते हैं, हर जगह गेज, हर जगह प्रेशर डिफरेंस ही गेज प्रेशर होगा, ये गलत है। हाँ, गेज प्रेशर इज ए प्रेशर डिफरेंस, पर हर प्रेशर डिफरेंस गेज प्रेशर होगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ऊपर या नीचे नापा जाता है। मैं बोल रहा हूं प्रेशर डिफरेंस, मान लो एटमॉस्फेरिक के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट में, ए और बी में ही मेरे को प्रेशर निकालना है दोनों के बीच डिफरेंस, तो उस प्रेशर को भी मैं क्या बोलूंगा जल्दी बताओ, प्रेशर डिफरेंस बोलूंगा, यस और नो? क्या ये गेज प्रेशर हुआ बी से ए, क्या ये गेज प्रेशर हुआ? देखो नहीं हुआ। तो हर प्रेशर डिफरेंस इज नॉट ए गेज प्रेशर, बट हर गेज प्रेशर क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई, यस और नो बोलेंगे सबको क्लियर? हर प्रेशर डिफरेंस गेज प्रेशर नहीं हो सकता, जैसे कि ये वाला,
पर हर गेज प्रेशर यहां से यहां कहीं का भी एक प्रेशर डिफरेंस जरूर होगा। चाहिए मेरी बात सबको समझ में। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस? प्रेशर डिफरेंस इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो बिंदुओं के में पाए जाने वाले प्रेशर के बीच अंतर को ही हम प्रेशर डिफरेंस कहेंगे। किन्हीं भी दो बिंदुओं बिटवीन टू पॉइंट्स जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, दैट वन इज नोन एज प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवंथ पॉइंट, नहीं इससे सिक्स्थ पॉइंट तक लिखो और डायग्राम सब बना लोगे खुद से कि मैं बना दूं, बस आप सोचना। चलो, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट हुआ, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक हुआ। एटमॉस्फेरिक के ऊपर गए तो पॉजिटिव गेज प्रेशर, यहाँ पे एनी पॉइंट लिख लेना, एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर। नीचे गए तो निगेटिव गेज प्रेशर, एनी पॉइंट लिख लेना। ठीक है, फिर एक नया डायग्राम बनाना, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये तुम लिखे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नीचे जाते गए, ठीक है, तो यहां पर फिर इसको लिखना एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एट इमेजिनरी पॉइंट, ये लिखना इमेजिनरी पॉइंट। ध्यान से सुनो तुमको क्या क्या लिखना है तुम्हारे नोट्स में। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब यहां से इसको, हाँ इसको निगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम भी लिख लेना यहां पर, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर। अब यहां से तुम जो भी चीज निकालोगे जिस भी पॉइंट को, ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएंगे, ठीक है। फिर प्रेशर डिफरेंस से एक अलग से लाइन बना के दिखा देना। चलो बनाओ तीन डायग्राम अलग अलग बनाओ, प्रेशर डिफरेंस के लिए अलग डायग्राम, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अलग डायग्राम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए अलग डायग्राम। सब बनाओ फटाफट, खुद से लिखो डेफिनेशन। प्रेशर डिफरेंस किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं भी दो बिंदुओं में मिलने वाले प्रेशर के बीच अंतर है, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच मिलने वाले प्रेशर में अंतर है। लास्ट में उसके एक लाइन लिखवा दूंगा मैं, काम कर दूंगा अभी, पहले लिखो तो तुमको जितना आया उतने के। हो जाएगा तो बताइएगा।
हो गया, लिखो लिखो जल्दी लिख के बोलो। हाँ और एक आध बोलो। चलिए आगे देखो, खुद से लिखने से फायदा यह है ना, जब आप अपना कॉपी पढ़ोगे तो आपने क्या लिखा है वो आपको पता होगा, आपको कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना। इससे समझ थोड़ा ज्यादा लगता है, पर आसान यह है कि एक्सप्लेनेशन में भी मेरे को बहुत समय लग रहा था ऑनलाइन में। पहले क्या करता था, मैं एक्सप्लेन करता था, डिक्टेट करता था। मतलब डिक्टेट में क्या होता था, तुम 40-50 जन बच्चा हो, अब उसमें क्या होता था, कोई किसी का माइक वो हो गया, किसी का नेटवर्क खराब, फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, तो कुल मिलाकर समय इतना ही लगता था। ऐसा नहीं नहीं लगता था। अब ये है, मैंने जो समझा दिया आपका जो भाषा उसमें आप लिखो। हाँ, जो एकदम थ्योरी होगा उसको तो मैं डिक्टेट करता ही हूँ अभी भी, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करता, कॉन्सेप्ट को आपको लिखने दे देता हूँ। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। इन सभी प्रेशर के अलावा दोस्तों कुछ और प्रेशर भी। अब इसमें दो पॉइंट जो लिखना था आपको, कौन सा दो पॉइंट लिखना था आपको जल्दी बताओ, कौन सा दो पॉइंट था जो लिखना था, कि हर प्रेशर डिफरेंस गेज प्रेशर नहीं होता, पर हर गेज प्रेशर प्रेशर डिफरेंस जरूर होता है। लिख लिए क्या, लिखे कि नहीं लिखे, चलो बताओ। ठीक है, पॉइंट नंबर वन सबको क्लियर क्लियर है। अच्छा, पॉइंट नंबर टू, हर गेज प्रेशर क्या बोला था, मैं भी भूल गया, बोलो तुम लोग बोलो यार, क्या बोला था मैं। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको शब्दों। ये पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, यहां से तुम लोगों की चीज समझ में आया, लोगों के दिमाग में चलता है कि सी लेवल वाला जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है बताओ, तो मैं भूल गया। सी लेवल वाला प्रेशर को क्या बोलते थे हम लोग, एटमोस्फेरिक प्रेशर। लोगों को ये लगता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है और वहां से हम किसी चीज को नापते हैं। क्या सही है, कौन बताएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये आईएएस का स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का पुराना क्वेश्चन है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है वहां से हम किसी चीज को नापते हैं, ये सही है क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना 0 नहीं होता कभी भी। क्या बोला मैं, फिर से बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी 0 नहीं होता। हाँ, वहां से हम दूसरे प्रेशर को नापते हैं, सेकंड लाइन बिल्कुल सही है, पर पहला अक्षर उसने क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, सब लोग जल्दी बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम दूसरे प्रेशर को मेजर करते हैं रिफरेंस लेके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे वो 10 था, 10 से हमने 12 लिया, 8 लिया, बिल्कुल सही है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कभी 0 होता है, तुम बताओ। नो सर, क्लियर सभी को, ये दूसरी लाइन हुई आपकी, लिख लोगे इसको, लिखो चलो खटाक से। हाँ बस लिखो लिखो उस चीज को, फिर अपने शब्दों में लिखो। मैं बता रहा हूं, इंजीनियरिंग इंडिया वालों से अच्छा किसी का नहीं हो सकता है, तो साला इंग्लिश हम लोग को बर्बाद कर दिया। हम इंजीनियरिंग को इंग्लिश में पढ़ते हैं इसलिए हम डूब जाते हैं, नहीं तो हमारे से अच्छा इंजीनियरिंग किसी का हो ही नहीं सकता। समझने की क्षमता
जापान के बाद भारतीयों में इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। आईक्यू लेवल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की क्षमता, समझने की क्षमता जो कैलकुलेट की जाती है, वो जापान के बाद भारतीयों में इस दुनिया में सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग हम कठिन, हमारे लिए इसकी भाषा कठिन है, जिसको हम रट नहीं पाते, जिसको हम पकड़ नहीं पाते, वो समझने की चीज नहीं है भाषा। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, छोड़ो सबको, अब हम थोड़े ना बदल सकते हैं, अभी हमको इंजीनियर बनना है अच्छे से। मुद्दे पे वापस आते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगला पॉइंट में, ठीक है। इन सभी प्रेशर के अलावा हमको एक प्रेशर और पढ़ना है, तो हम कितने कितने प्रेशर पढ़ चुके हैं, पांच पढ़े थे क्या, छठवां प्रेशर, ये दूसरों से अलग होगा, याद रखना, छह पढ़ चुके हैं, ठीक है, सातवां प्रेशर, ये दूसरों से अलग होगा, इसका नाम है दोस्तों वेपर प्रेशर, ये उस सीरीज से अलग है तो प्रेशर ही, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है सर, चलो बताओ, भाप से निकलने वाला प्रेशर, समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाप से निकलने वाला प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब भाप कब बनेगा, चलो बताओ, तुम लोग बताओ, मैं नहीं जानता, तुम लोग बताओ भाप कब बनेगा, बोलो यार बोलो, जब पानी गर्म होगा, इतना छोटा सा चीज पूछ रहा हूँ तुम लोग को, जब सर पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा सर, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये एक गंजी है, ठीक है, कुकर, कुकर खाना बनाओ, कुकर, ये कुकर है, समझ लो ये कुकर है, कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर वेपर बन रहा है गर्म होने की वजह से। यदि मैं इसके निकलने वाली सीटी को बंद कर दूं तो कुकर क्या होगा, जल्दी बताओ, यदि मैं हवा निकलने वाली सीटी को बंद कर दूं तो कुकर क्या होगा, फट जाएगा कुकर, क्यों फटा कुकर, कारण क्या था कुकर के फटने का, जल्दी बताओ, अंदर में गैस बन गया। अच्छा, सोचो 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 सोचो, यही ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, जब वही सारा पानी था तो मेरा ढक्कन नहीं फूट रहा था, जब पानी बबल बुलबुला बन रहा था, गर्म हो रहा था, तो भी नहीं फूट रहा था, वो पानी भाप बना तो मेरा कुकर फूट गया, क्यों ऐसा हुआ, पानी ही था, पानी ही भाप बना। अच्छा ये बताओ, एक गिलास पानी और उसका वेपर कितना भी हो, मैंने ये नहीं बोलता कि एक गिलास वेपर हो, तो एक गिलास पानी का जितना वेपर बना क्या उसका मास सेम होगा, जल्दी बताओ, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या उसका मास सेम हो सकता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, थोड़ा आर्ग्यूमेंटल क्वेश्चन है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करके बताओ, क्यों अनुराग सर मास सेम होगा, रीजन भाई, आर्ग्यूमेंट है तो करना ही पड़ेगा हमको, जवाब तलब एक दूसरे से, बिल्कुल E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर, मास में केवल केवल स्टेट ट्रांसफॉर्म हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनसे वो बना है वो क्या है, सेम है, यानी कि सर आप इस भाप को वापस से इकट्ठा करके पानी में बदलोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, जल्दी बताओ सब लोग, ये एक गिलास पानी मिल जाएगा, एकदम इजी है, आसान सबके लिए, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कुछ चीजें हैं जो हम लोग को लेके चलना है समझ के साथ, एक पेपर में नहीं आएगा, जो मैं पूछा और जो अनुराग सर जवाब दिए ना, वो पेपर के काम का नहीं, पर हाँ हमारा सोच वहां तक जाना चाहिए, हाँ कि ना, ठीक है, तो हम लोग कम से कम उतना सोच के रखें कि भैया हाँ ये एक चीज है जो हमको समझ नहीं है। नाउ जब क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम था, मैटर मतलब जिन मैटर से वो बना है, जिन मॉलिक्यूल से वो बना है, वो क्वांटिटी सेम थी, तो ऐसा क्या हुआ कि कुकर मेरा फट गया, चलो बताओ, तुम्हारे पढ़े हुए टॉपिक नहीं है, एफएम के ही पढ़े हुए टॉपिक में से आंसर है, किसका प्रेशर, कुकर का प्रेशर, वही तो पूछ रहा हूँ, जब मालिक से आंसर तो क्यों ज्यादा हुआ, वो तो मेरे बीच से सबको समझ में आ रहा है कि कुकर के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ जी मैम, बिल्कुल, उनके बीच के कोलिजन बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है, लगभग सही है, बहुत सही है अंकिता, हम थोड़ा सा इसको और रेक्टिफाई करते हैं, हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे पीछे, किसी को याद है क्या,
जिसमें दो पार्टिकल आपस में टक्कर खाते थे। कौन सा टॉपिक था? मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ। याद आया क्या सभी को? जल्दी बताओ। देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, समझना, ध्यान से सुनते चलना। अभी अंकिता मैम उसमें थोड़ा फिल्टर करने की कोशिश करना उसको। फिल्टर कैसे करोगे? हमारे पास लिक्विड है एंड वेपर है। उस मैडम का जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा फिल्टर कर रहा हूँ, समझना सब लोग। एंड वेपर है, हमारे पास गैस नहीं है। क्या मेरी बात से सब मतलब इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? तीनों अलग अलग चीजें हैं, वेपर गैस नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो, जल्दी बताओ। वेपर गैस नहीं है। गैस में टेम्परेचर बढ़ने पर अंकिता मैम क्या होता है? वो आपस में टक्कर खाते हैं और उनकी डेंसिटी बढ़ती है। यस और नो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि यदि आपका स्टेटमेंट मैं वेपर में ले लूं तो अनुराग सर का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो ये बोलते हैं डेंसिटी इज मीन रो मास अपॉन वॉल्यूम, जहां पे मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यदि मैं आपके वेपर वाले स्टेटमेंट को सही बोलता हूं तो अनुराग सर का डेंसिटी के साथ मास जो कि चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर? तो उसको आप कब यूज करोगे? गैस में यूज करोगे। सभी लोग ध्यान देना इस बात को, ठीक है? वेपर एक लिक्विड ही है जिसमें मास सेम है। क्या मेरी बात सबको समझ में आया है? हाँ कि ना? बोलेंगे भैया अलग, ठीक है? थोड़ा सा बस उसको सुधार रहा हूँ उस लाइन को। हाँ, अब उस लाइन पे वापस आते हैं। उसमें से हम लोग काम का चीज क्या निकाल सकते हैं? तो हमारे पास काम का चीज उसमें से ये है कि सर चूंकि ये वेपर है, ध्यान से समझना, और वेपर के बीच जो मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ, अच्छा है, मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ टक्कर के पहले का पार्ट होता है, यस और नो? टक्कर के पहले का पार्ट है। लिक्विड में टक्कर के पहले का पार्ट ज्यादा पास पास होगा कि वेपर में टक्कर के पहले का पार्ट ज्यादा पास पास होगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ? लिक्विड में ज्यादा पास पास कि टक्कर में वेपर में ज्यादा पास पास? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को। लिक्विड में, बिल्कुल सही, लिक्विड में टक्कर के पहले का, यही तो हम लोग को दिखाता था कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट। याद करो, इसीलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं हर चीज को। कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? अच्छा तुम लोग इसको बताओ, मॉलिकुलर एमएम मीन फ्री पाथ एफ पी इज इक्वल टू, चलो बताओ, एमएम एफ पी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ। अच्छा इसको छोड़ो, मेरे को ये बताओ कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? जल्दी बताओ क्या बोलता था कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट? कौन बोलेगा, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से फटाक से। हाँ फॉलो करता है, फ्लूड एक दूसरे को फॉलो क्यों करता है? क्योंकि उनके बीच में मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा कि कम होगा? अब बताओ, कम होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आंसर मिल रहा है क्या सबको? जल्दी बताओ, आंसर सभी को मिलते चल रहा है। अब मैं पूछता हूँ, व्हाट इज खुनसन नंबर इज इक्वल टू एम एम एफ टी अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन। यहां से हमको तो याद करो मिलता था कि जितना छोटा एम एम एफ पी होगा खुनसन नंबर उतना कम होगा। जब खुनसन नंबर एक से कम होगा तो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, और जनरली सिर्फ लिक्विड है जो इसको क्या करता है, फॉलो करता है। याद आया सभी को? यस और नो? यस सर। तो एम एम एफ पी का कम होना लिक्विड को शो करता है। एम एम एफ पी का कम होना मतलब उन पार्टिकल के बीच टक्कर के पहले बीच की दूरी का कम होना। यहां पर पे अब फिर से सवाल को, वहां के सवाल को यहां घुसा रहा हूं मैं, समझो तुम लोग इंटर रिलेट। अरे देखो कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग से ज्यादा आसान और मजेदार चीज कुछ नहीं है। बस हमारी सोच वैसी होनी चाहिए, बस अंतर इतना है कि एग्जाम में रटे रुटाए चीज पूछे जाते हैं। यदि आप उन चीजों को रटने की काबिलियत थोड़ा ले आते हो अपनी समझ के साथ साथ, क्योंकि गुप्तन गुप्ता के 400 को जब मैं पहली बार जिंदगी में एग्जाम दिया था हाउसिंग बोर्ड जेई एई का, जिसमें चित्र सेंसर ई आज बन चुके हैं, तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मेरा गेट कॉन्सेप्ट अच्छा था तो मैं उनसे पूछा अभी क्या करना चाहिए। मैं उस समय कोचिंग नहीं कर रहा था, मास्टर्स में चला गया था। तो वो बोला कि अभी गुप्तन गुप्ता का सीनियर लोग बताया बहुत बेस्ट होता है, इसको याद कर ले। तो वो बंदा क्या किया, इसके हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पकड़ा सीनियर लोग था। मैं हैदराबाद में था, मैं मास्टर्स कर रहा था, कॉलेज के हॉस्टल में रहता था जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था।
मैं वहां गुप्तन गुप्ता को खुल्लम खुल्ला रटू। खुल्लम खुल्ला रटने का मतलब दो गुप्तन गुप्ता लिया, एक में टिक लगाया, वो आज भी मेरे पास है। सारे आंसर को पीछे से देख के टिक लगाया, ये फोटो खींच के फिर उसको रटता था, दूसरे गुप्तन गुप्ता से सॉल्व करता था। पेपर में कसम से बता रहा हूँ, 150 में से 120 से ज्यादा क्वेश्चन गुप्तन गुप्ता का था। अब मेरे को एक एक क्वेश्चन रटा था, लेकिन मेरा नंबर आया 40 या 42 नंबर मात्र। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ सोचो तुमने, जबकि पूरा मेरा रटा हुआ था और क्वेश्चन पूरा 120 से ज्यादा उसी का आया था, फिर ऐसा क्यों हुआ बताओ तुम लोग? क्योंकि मेरे पास समझ नहीं थी, वो मेरे को उस जगह पे दिखता था क्वेश्चन और उसका आंसर मेरे को पता था, इस जगह पे जो क्वेश्चन है ये है, इसका आंसर ये है। जब वो क्वेश्चन पेपर में कहीं और पे दिखा तो मेरे समझ खत्म हो गया वहीं पे, मेरे को लगे समझे बनाया कि मैं इसको पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। क्योंकि आप 2000 4000 5000 क्वेश्चन रट नहीं सकते, ये सिर्फ आपकी सोच है कि आपको लगता है। लोग बोलते हैं ना, मैं यूथ को ऐसे पलटाता हूँ, ऐसे टिक लगा लेता हूँ, वो यूथ में उस जगह पे छपा क्वेश्चन तुमको याद है, वो क्वेश्चन को मैं कहीं और पे छापूंगा ना तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने ऊपर बता रहा हूँ, दूसरा आदमी लोग दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं ना, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस फेल होने वाला तुम लोगों के सामने मैं अपने बैच का बता रहा हूँ, ज्यादा सबसे ज्यादा एग्जाम में फेल होने वाला लड़का हूँ, और मैं अपने हर फेल ओवर को अपने डायरी में लिखा हूँ। अब मैं डायरी नहीं दिखाऊंगा तुमको, वो मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है कि मैं कैसे फेल हुआ उस एग्जाम में और क्यों फेल हुआ। उन्हीं चीजों को मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज तुम करोगे दिक्कत। तो अभी भी तुम्हें को बता रहा, हमारा एग्जाम रटने वाला है और उस रटने में तुमको समझ होना आवश्यक है। यदि ये समझ रहेगा तो तुम उसके आंसर क्यों आया ये पता चल जाएगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आना तो वहीं से है क्वेश्चन, गुप्तन गुप्ता की बात नहीं कर रहा, थोड़ा पुराना बुक हो गया, दो तीन बुकें हमारे पास, आना 100% 150 में से 120 क्वेश्चन वहीं से है। वो एग्जाम खोल लो कहीं का खोल लो, थोड़ा ऑनलाइन वाले में दिक्कत जाता है पर वो भी ऑलमोस्ट वही का होता है, थोड़ा नाम वाला थोड़ा लाइन नाम बदल के देता है पर ऑलमोस्ट वही रहता है। और ऑफलाइन में तो 100% 150 में से 120 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन आपके उन्हीं तीन चार बुकों से होगा, और तीन चार बुक पूरा मिला लोगे तो तुम्हारा 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम श्योर बता रहा हूँ। रिपीट होता है ना, क्योंकि रिपीट को हटाने बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो गिनोगे तो भाई अकेले 1000 क्वेश्चन यूथ में एफएम का दिया होगा, 1000 1500, तुम बोलोगे साला है तो 2000 इसी का हो गया, 15 सब्जेक्ट है, वो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। रिपीटेड को हटा दो तो तुम्हारा पूरा 15 सब्जेक्ट मिला के ही में 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन तुमको याद नहीं करना है या बनाना नहीं, और वो बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैं बार बार फोकस करवा रहा हूँ यही में, समझो मेरा बात, तुम में से हर एक बच्चा यही बन सकता है, जो मेरे को बहुत लेट समझ में आया, तुम लोग को समझा रहा हूँ चीज। ठीक है, चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। ये MMFT है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ बिटवीन वेपर, अच्छा टेम्परेचर बढ़ने चलो, टेम्परेचर बढ़ चुका है, वेपर बन चुका है, वेपर बना, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ दूर चला गया, ध्यान से सुनना, दूर चला गया। खुनसर नंबर का मान ज्यादा आएगा कि कम आएगा जल्दी बताओ? MMFT का मान बड़ा हो गया तो खुनसर नंबर बढ़ेगा, यस और नो? क्या सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा बढ़ा, मुद्दे पे वापस आते हैं। अब वेपर प्रेशर के अंदर की कहानी समझना, कुकर फटता क्यों, इसको समझाते चलता हूं। रीजन होता है पार्टिकल का एक दूसरे से दूर जाना। जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे कि MMFP बढ़ा, ठीक है ध्यान समझते चला, टेम्परेचर बढ़ा, वाटर किसमें चेंज हुआ, वेपर में, वेपर की क्वांटिटी बढ़ी, वेपर बढ़ा, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ बढ़ा, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास पास आएंगे जल्दी बताओ? मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ बढ़ा तो पार्टिकल दूर जाएंगे, पार्टिकल का एक्सपांशन, पार्टिकल एक्सपांशन बढ़ेगा, पार्टिकल एक्सपांशन बढ़ेगा, ध्यान से समझते चलना, तो वॉल्यूम क्या होगा जल्दी बताओ? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहां पर अनुराग सर और अंकिता मैडम के स्टेटमेंट को यदि मैं अटैच करूं तो मेरे को क्या मिलता है बताओ? यस, मास डेंसिटी में चेंज आएगा, जिसमें मास तो सेम रहेगा बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है सर, सो मास डेंसिटी विल बी, जल्दी बताओ, डेंसिटी ऑफ दी वेपर एज कंपेयर टू दी लिक्विड इज डिक्रीजेस।
क्या इस ये क्वेश्चन का आंसर भी इसी में मिल गया सबको कि वेपर की डेंसिटी, मास डेंसिटी इसकी तुलना में कम होती है, लिक्विड की तुलना में कम होती है यदि उसके रीजंस बोलेगा। रीजन पहला स्टेटमेंट लिखा, वेपर की डेंसिटी रो इज लेस देन दी डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर, सॉरी वाटर। नीचे उसके कारण लिख रहा है रीजंस। रीजन नंबर एक, मास ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन मास ऑफ वाटर। रीजन नंबर दो, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। रीजन नंबर थ्री, मास ऑफ वेपर इज लेस देन मास ऑफ वाटर। रीजन नंबर डी, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द आंसर? क्या मास डेंसिटी वेपर की मास डेंसिटी वाटर से कम हो सकती है? पहले तो ये बताओ, यस और नो, मास डेंसिटी वेपर की मास डेंसिटी वाटर से कम हो सकती है? तुम लोग बताओ जल्दी। यस सर। क्यों हो सकती है, कारण बताओ उसका जल्दी से। अभी लिखा हुआ है कारण, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर की वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसकी मास डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, मास डेंसिटी किसकी कम है तुम लोग बताओ, मास डेंसिटी किसकी कम है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। वेपर का, तो वेपर का मास डेंसिटी कम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा वाटर की तुलना में, जल्दी बताओ? बढ़ेगा। जब वॉल्यूम वाटर की तुलना में बढ़ेगा तो क्या कुकर में पानी भरा हुआ था लेकिन क्या भाप की उतनी जगह मौजूद है, जल्दी बताओ? नहीं सर, भाप के लिए तो जगह नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, कुकर बंद है तो वो भाप कुकर को क्या करेगा, ब्लास्ट करवाएगा। यस और नो, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी बताओ। सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अगले पॉइंट में। यहां तक का तो तुम लोग को मजा आया होगा बहुत, ठीक है, आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैं इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर किया हूं भाई। हाँ, हो सकता है एक तो बोर्ड में तुमको छोटा सा चीज दिख रहा हो, पर कम से कम मैं तुमको 10 थ्योरिटिकल क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूँ। पहला, किसका MMFP ज्यादा होगा? दूसरा, किसका खुनसन नंबर ज्यादा होगा? तीसरा, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? चौथा, डेंसिटी का मास के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं, कि वॉल्यूम के साथ रिलेशन है? पांचवा, कुकर में ब्लास्ट क्यों हुआ? 5 क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं पे मैं क्लियर कर दिया हूँ, बाकी थ्योरी है। चलो चलो, लिखना चाहो तो लिखो जल्दी से, या थोड़ा और समझोगे इसी में, और बचा है समझाने को, कैसे करोगे समझाऊं? वो तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। पार्टिकल एक्सपांशन, पार्टिकल एक्सपांशन देख के मत करो, अपने से उसको करो। चलो बताओ, इसको मैं लिखोगे कि मैं समझाऊं आगे, जल्दी बोलो, लिख लो, चलो फटाफट लिखो, समझा दूं? चलो बहुत बढ़िया, देख आते हैं आगे, थोड़ा ले रहा हूं समय, मैं मेरे को बहुत इत्मीनान से अपने पढ़ाने दो, मैं इस बार थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा, इसका गारंटी मैं ले रहा हूँ। कोई भी न्यूमेरिकल कैसे भी वैरायटी का होगा सब तुम्हारे कॉपी में होगा, कोई भी थ्योरी किसी वैरायटी का होगा सब तुम्हारे कॉपी में होगा, ठीक है? मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मेरे को यही के लिए ही पढ़ाना है, इस बार टारगेट लेके ही पढ़ाना है। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, नेक्स्ट नंबर के टॉपिक में आते हैं, इसी के अंदर वेपर के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन और लेस देन प्रेशर ऑफ वॉटर, कौन बताएगा? वॉटर का प्रेशर ज्यादा होगा कि वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा? चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ। हाँ, कारण है तुम लोगों के पास, कारण बता सकते हो, जल्दी बताओ। रीजन, बिना रीजन के हम लोग टॉपिक आगे नहीं बढ़ेंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, और कोई रीजन किसी के पास, जल्दी बताओ। अच्छा, मेरे को ये वाला रिलेशन बताओ, टेम्परेचर बढ़ने पे जल्दी बताओ प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, बोलो? तुम लोग बताओ, मैं नहीं जानता, सबको बताना है। रीजन, रीजन मैम बोलो। रीजन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम
लोग मेरे को बताते जाना। हाँ मैं तुमसे पूछते जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है। टेम्परेचर बढ़ने पे सर प्रेशर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। चलो देख लेते हैं अभी आगे की कहानी पे। तो ओ मेरे को ठीक है, मैं तुम लोग को फंसाना नहीं चाह रहा हूँ, पर अभी नहीं फंसाऊंगा तो भविष्य तुम लोग का कैसे बनेगा, है कि नहीं? अब मेरे को बताओ, गर्मी में जमीन गर्म होता है, यस और नो? गर्मी में जमीन गर्म होता है, गर्म जमीन से जो गर्म हवा निकलती है वो भारी होती है कि बरसात वाली हवा भारी होती है, जल्दी बताओ। भारी होती है। अच्छा कौन सा प्रेशर ज्यादा डालता है, कौन प्रेशर ज्यादा डाले, गर्म हवा प्रेशर ज्यादा डालेगी कि ठंडी और बरसात वाली हवा? ठंडी हवा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम लोग बताओ। ठीक है देखो, मैं तुमको अभी गलत नहीं करूंगा, अभी गलत नहीं करूंगा तो भविष्य तुम लोगों का समझ में नहीं आएगा, तुम लोग भविष्य में। अब बढ़ रहा है, बढ़ने का रीजन? ट्राई मारो सर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वेपर बढ़ रहा है। हाँ ठीक है ठीक, वो तो एक क्लियरेंस तो दे रहे हो, ठीक है। और बताओ सर, और बताओ, और कुछ बताओ उसके बारे में, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। ठीक कह रहे हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो हिमांशु सर, थोड़ा सा। ठीक है। तो यदि मैं इसको गर्म हवा के यदि मैं इसको गर्म हवा से कंपेयर करूं हिमांशु सर, तो जमीन गर्म होगा, हवा गर्म होगी, तो प्रेशर एट दैट टाइम प्रेशर, ठीक है मुद्दे पे वापस आते हैं, है ना, उस समय तो प्रेशर कम होगा। अब ये क्या खेल है, इसको समझते हैं। चाहे आप दोनों में सही रहे हो, बिल्कुल है, हिमांशु सर भी सही कह रहे हैं, बाकी बच्चे भी सही कह रहे हैं, मैं बस तुमको उलझा नहीं रहा हूँ, मैं बस तुमको दो चीजों को एक साथ रिलेट करके सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझना। आज क्या है, मैं अच्छे से दो कई महीनों बाद सोने पाया हूँ, घर आया हूँ, 9 साढ़े 9 बजे सुत दिया, सुबह उठा 6 बजे सीधा, तो मेरे को बहुत कूल लग रहा है, नहीं तो मेरी स्थिति ये थी पिछले 1.5 महीना 2 महीने से, मैं 5 घंटा 5.5 घंटा इसी सोता था, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट थकान बहुत ज्यादा बढ़ गया था बॉडी में। और आप 1-2 दिन एग्जॉस्ट कर सक एक दो दिन चला सकते हो, 1-2 महीना बहुत हो जाता है। चलो खैर, जल्दी ही आप लोग को अच्छा कुछ खबर देते हैं वापिस आने का, तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है, कुछ दिनों में, थोड़ा वेट कर लो बस, हो जाए सब फिर बताएंगे। चलो मुद्दे पे वापस आते हैं, तो यहाँ पर पे वेपर प्रेशर की कहानी पहले बोलता हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, पूरा सेम कहानी लूंगा नहीं मानती सर, समझना ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा, वेपर जो होगा वेपर की क्वांटिटी बढ़ रही, समझना, इनडायरेक्ट वे में वेपर की क्वांटिटी कम, ऐसा कर देता हूँ, वाटर की क्वांटिटी कम हुई, वेपर क्वांटिटी बढ़ी, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ, इसी से रिलेट करना क्योंकि ये लॉजिक कॉन्सेप्ट है, इसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो इसको इसी से रिलेट करना, मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, इनसाइड ए कंटेनर, इंपॉर्टेंट वर्ड ये, कहां पे बढ़ेगा, किसी कंटेनर के अंदर। बट अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अर्थ में लिखता हूं, अर्थ में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो विंड कैसा होगा जल्दी बताओ, हवा क्या होगा जल्दी बताओ, विंड कैसा होगा, वार्म होगा, यस और नो? विंड का वार्मनेस बढ़ेगा, वार्मनेस लिख लेना, तुम लोगों को जो अंग्रेजी ज्यादा अच्छा आता है, मेरे को नहीं पता वर्ड होता है कि नहीं होता है, तो हवा ज्यादा गर्म होगा, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तुम इसका अंग्रेजी लिख लेना, ठीक है, तो विंड वार्म ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा, जब गर्म ज्यादा होगा तो इसका वेट कैसा होगा, विंड का वेट कैसा होता जाएगा, लाइट वेट होता जाएगा,
ठीक है, वेट लाइट होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर कोई क्या करेगा, जल्दी बताओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन इन टर्म्स ऑफ वेट, यस और नो, जल्दी बताओ। वेट के टर्म पे फोर्स क्या है, एक तरीके से फोर्स न्यूटन है, हाँ कि ना दोस्तों। ये प्रेशर होगा, प्रेशर आपका क्या होगा, वेट का होगा, प्रेशर डाउन होगा। दिस इज नोन एज, ध्यान से सुनना, दिस इज नोन एज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, दिस इज नोन एज लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन ये कम क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यों हुआ, अब इसका रीजन समझना। इसका रीजन एक लाइन में छिपा है, जो मैंने 10 मिनट पहले अनुराग सर, सॉरी अंकिता मैम के स्टेटमेंट को फिल्टर आउट किया था। क्या वर्ड से फिल्टर किया था, जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो। मैंने किस एक वर्ड को फिल्टर किया था अंकिता मैम के स्टेटमेंट को, कि भाई इसमें से एक शब्द को मैं बस बाहर कर रहा हूं। कौन सा शब्द था वो, एयर, याद आया सबको। ये है सर वेपर, और ये है सर क्या चीज, जल्दी बताओ, गैस, एयर नहीं, क्या है सर, ये गैस है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, पूरा छिपा था उसी एक अक्षर में। मैं शुरू में उसको अलग क्यों किया, क्योंकि ताकि मैं तुमको यहाँ पे पकड़ सकूं और तुम उस अक्षर से जवाब दे सको। पर ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरकनेक्ट किया करो अपने आप को, बहुत ईजी है दोस्तों इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये है वेपर और ये है गैस, ठीक है, समझना सब लोग। वेपर में मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, और एमएमएफ में पढ़ाया हूँ, गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी बताओ। इन वेपर टेम्परेचर बढ़ने में एमएमएफपी बढ़ता है, जबकि इन गैस टेम्परेचर बढ़ने में एमएमएफपी क्या होता है, जल्दी बोलो, कम होता है, यस और नो, जल्दी बोलेंगे, हाँ कि नहीं दोस्तों। अरे और तो बोलो कम से कम, भूल गए क्या, पढ़ाया हूं तुम लोगों को, तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा कैसे, अरे पूरा तुम्हारे कॉपी में लिखवाया, नहीं लिखवाया देखो, पलटो कॉपी अपना अपना सब, ऐसे थोड़ी ना मैं पढ़ा दूंगा, बिना पढ़ाए मैं कोई चीज को पूछ भी नहीं करता तुम लोगों से। मैं सिर्फ वही चीज पर पूछता हूँ जो तुम्हारे कॉपी में कहीं पे लिखा है या कहीं मैंने एक्सप्लेन किया, उसको रिलेट करवाता हूँ आगे चलकर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एमएमएफपी गैसेस का कम होता है। अब कैसे कम होता है, अंकिता मैम आप उस समय एक्सप्लेन किए थे, बोलो अभी, जिसको मैं थोड़ा ठीक किया था, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इनके पार्टिकल के बीच में अभी बोलवाया था क्या होगा, जल्दी बताओ, एनर्जी होने की वजह से टेम्परेचर हीट मार रहा है, उनके अंदर ऊर्जा उष्मा अवशोषित हो रही है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अंग्रेजी में, पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी से वो एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, जब तेजी से टक्कर खाना शुरू होंगे तो एमएमएफपी घटेगा, उनके अंदर एनर्जी आ गई है, उससे टक्कर खाएंगे, तेजी से टक्कर खाना शुरू होंगे तो उनके अंदर एमएमएफपी घटेगा, एमएमएफपी घटेगा तो क्या होगा, चलो बताओ, एमएमएफपी घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, जल्दी बताओ, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है, समय प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। क्लियर सभी को यहां तक किस्सा, जल्दी बताओ, ये है गैसेस का कॉन्सेप्ट, ये है वेपर का कॉन्सेप्ट, लिख लो जल्दी से, कोई चीज नहीं समझ में आएगा अभी पूछ लो, बाकी लोग लिख रहे हैं तब तक किसी को। जी सर, एमएमएफपी का मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ है, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ क्या होता है, किन्हीं भी दो पार्टिकल के टक्कर से पहले की दूरी, यदि ये दूरी टक्कर कब होगा, जब टक्कर होगा तो लोग आज दूसरे के पास पास आएंगे, जब पास पास आएंगे डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि टक्कर से पहले की दूरी जितनी कम होगी
पार्टिकल्स उतने पास पास, पार्टिकल जितने पास पास डेंसिटी उतना ज्यादा और वॉल्यूम उतना कम। क्लियर हिमांशु सर? कोई भी गैस हो, एटमॉस्फेयर नहीं है, वो गैस है। यदि वो गैस है, एयर मतलब गैस, कोई भी गैस हो, गैस में पार्टिकल्स होते हैं, बिना पार्टिकल के तो कुछ संभव ही नहीं है। गैस में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स यदि हैं तो टेम्परेचर बढ़ने में उनमें एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है तो वो तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं, तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं तो उनके बीच टक्कर बढ़ रहा है, टक्कर बढ़ रहा है यानी कि उनके बीच मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ कम हो रहा है, मॉलिकुलर मीन फ्री पाथ कम हो रहा है यानी कि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उनकी डेंसिटी बढ़ रही है। चलो चलो जल्दी जल्दी, तुम समझ आता लेते हो, आपक लिखो, हो गया, और एक आध दो लोग बोलो, हो गया ठीक बढ़िया। यह हुआ वेपर प्रेशर की कहानी। अब प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें आते हैं। इससे रिलेटेड एक वर्ड आता है वेपर प्रेशर से, हालांकि इसको मेरे को बाद में पढ़ाना चाहिए, पर चूंकि वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड है तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अभी प्रेशर का यूनिट वगैरह सिखाना बचा, पर इस चीज को बीच में घुसा रहा हूं। इस वर्ड का नाम है दोस्तों कैविटेशन, आता भी है पेपर में, ये तुम लोग फर्स्ट यूनिट में दिया है ना, यूथ वगैरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट यूनिट में डाल दिया, लेकिन है ये सेकंड यूनिट का, ठीक है। मैं बोला हूँ कुछ चीजें आप लोग को मिलेंगी, ऐसा नहीं मैं कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, वो जहां पर पे है मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा जो मेरा सीरीज में चल रहा है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपके फर्स्ट यूनिट में दिया यूथ वगैरह में। चलो कैविटेशन, कैविटेशन होता क्या है, क्या कैसे चलता है, क्या होता है, बहुत ईजी चीज है। लोग कैविटेशन को दूसरा चीज समझ लेते हैं, है ये एकदम आसान समझना। जब कुकर, पहले इस पूरा कहानी पहले समझा देता हूँ, एक कुकर है, एक बॉयलर, कुकर मतलब बॉयलर, कोई भी बॉयलर हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट का बॉयलर हो, चाहे हमारे घर में वो कुकर हो, या कोई भी बर्तन जिसका ऊपर का हिस्सा ढका हुआ हो जिससे हमको भाप मिले, ये कुकर है। अब कुकर में समझना मेरी बात को, यहां पर पानी है, पानी नीचे से गर्म हो रहा था, पानी नीचे से गर्म हो रहा है, जब ये गर्म हो रहा है तो ऊपर क्या निकल रहा है जल्दी बताओ, ऊपर क्या जा रहा होगा जल्दी से बोलो, वेपर। और अभी पूरे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि वेपर का प्रेशर वाटर के प्रेशर से क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी बताओ, वेपर का प्रेशर वाटर के प्रेशर से बोलो, तुम लोग भी यार इतना पढ़ाने के बाद नहीं मुंह खोलते, ज्यादा होगा सर, ठीक है। अच्छा एक और चीज बोल रहा हूँ, स्कूल में हम लोग इसको पढ़ते थे, तुम लोग के लिए होमवर्क है, मेरा काम नहीं है, स्कूल में तुम लोग के लिए होमवर्क है, हम लोग गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो ज्यादा जलेगा कि उसके भाप में हाथ डालेंगे तो ज्यादा जलेगा, जल्दी बताओ, स्टीम में, कारण क्या था, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट जो बोलते थे हम लोग स्टीम का, हाँ स्पेसिफिक हीट बोलते हैं या फिर लेटेंट हीट बोल सकते हो, वो क्या होता है स्टीम का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉटर, ये तुम लोग के लिए है, अलग कहानी है वो, इससे मतलब नहीं है उसका, फिजिक्स का कहानी है वो, फिजिक्स भी यही में है, ठीक है। तीन क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, दो से तीन क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अभी अभी नहीं कभी कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, मत चिंता करो, ठीक है। इधर देखो वेपर है ये, इस वेपर ने हमको पता है वेपर का प्रेशर वॉटर के प्रेशर से ज्यादा है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वेपर का प्रेशर वाटर के प्रेशर से ज्यादा है और वेपर क्या है ऊपर की ओर जा रहा है, समझते चलना, वेपर किस साइड भाग रहा है ऊपर की ओर, जनरली हम तरीका क्या पढ़ते हैं, कभी भी कोई चीज का मूवमेंट किधर से किधर होता है, कौन बताएगा, जनरली किसी भी फ्लूड का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड, तो कायदे से इस वेपर का प्रेशर जब ज्यादा है तो इसको किधर आना चाहिए था, लो प्रेशर की ओर, यस और नो, हाँ कि नहीं दोस्तों, ये जा रहा है बिल्कुल लो प्रेशर की ओर, एक्चुअल में इस पानी से भी लो प्रेशर पे कौन सी चीज जानते हो, सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर,
ऐसा नहीं है कि ये व्यापार गलत नियम को फॉलो कर रहा है, ये नियम उसी को फॉलो कर रहा है, ये ऊपर क्यों इसलिए जा रहा है क्योंकि बाहर में सिटी के थ्रू किससे मिल जाएगा, जल्दी बताओ किसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ होके न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। ठीक, अब समझना, इस दौरान पे क्या होता है दोस्तों, वाटर के बबल्स, वेपर के साथ साथ वाटर के बबल्स भी, इस वेपर के साथ साथ वाटर के बबल भी जो हल्के हो चुके हैं वो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। समझना सब लोग, वाटर के बबल्स भी ऊपर जाना शुरू करते हैं। अब 90% बच्चे तो इसको याद कर लेते हैं कि वाटर के बबल भी वेपर से ऊपर जाते हैं क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, वेपर ऊपर जा रहा है, लेकिन वाटर के बबल क्यों गए वेपर के साथ, ये वो लोग नहीं सोचना चाहते। हर चीज के पीछे साइंस है, ये हमारा काम का नहीं है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा कि क्यों वाटर के बबल ऊपर गए। वाटर के बबल को ऊपर ले जाने का कारण भी यही एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अंदर का पानी गर्म हो रहा है, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो अंदर की जितने भी चीजें होंगी आइदर वेपर और वाटर में किधर जाने की कोशिश करेंगे, एटमॉस्फेयर की ओर। वाटर नहीं जा पा रहा है तो वेपर के रूप में बाहर निकल रहा है, उस बीच में वाटर के कुछ बबल भी इस वेपर के साथ इस एटमॉस्फेयर में मिलने की कोशिश करेंगे। रीजन याद रखिएगा, हालांकि यूजलेस है मेरे ख्याल से, किसी क्वेश्चन में आज तक मैं देखा नहीं, पर हाँ हमको पता होना चाहिए। तो वाटर के बबल भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लगातार वाटर के बबल ऊपर जाके इस बॉयलर के यानी कुकर के सतहों में, सरफेस में टक्कर खाएंगे और ब्लास्ट होंगे। ब्लास्ट का मतलब, अरे छोटा सा बुलबुला यार टकराएगा तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा, यस और नो, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दिक्कत का बात यह है, चूंकि अपने साथ हीट एनर्जी लेकर के चल रहे हैं, तो जब ये ब्लास्ट होंगे तो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, यस और नो जल्दी बताओ, जब ये टक्कर खाएंगे इस बॉयलर में तो ये जो अपनी एनर्जी लेके जा रहे थे वो अब फटे हैं, तो उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी रिलीज किसके ऊपर हुई, इस बॉयलर के सरफेस ऊपर। एक छोटा सा पानी का बुलबुला, छोटा सा बबल क्या उखाड़ लेगा सर, क्या तीर मार लेगा, तो एक तो कुछ नहीं करेगा। जब कंटिन्यूअस, अब बहुत बड़ा बॉयलर है जो थर्मल पावर प्लांट में लगा हुआ है, मान लेते हैं जो कंटिन्यूअस चलना है, वहां की भट्टी कभी नहीं बुझ सकती, तुमको भी पता है कोयला हमेशा चाहिए उसको, भाप हमेशा बनना है, पानी हमेशा चाहिए उसको, तो बॉयलर से कंटिन्यू बुलबुला निकल रहा है, तो ऐसे नंबर ऑफ रिपीटेड रिवर्सल, बार 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 ये बबल उस जगह पर जाकर टकराएगा जब, और उस एनर्जी को ये सरफेस अब्सॉर्ब करता जाएगा, तो एक समय आएगा इस सरफेस में क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रैक्स आ जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, एक समय आएगा जब इस सरफेस में क्या आ जाएगा, क्रैक आएगा। इस प्रक्रिया में तीन नए शब्द जनरेट होते हैं, पहला इस वेपर के साथ बबल का ऊपर जाना इज नोन एज कैविटेशन, पहला इस वेपर के साथ बबल का ऊपर जाना इज नोन एज कैविटेशन, दूसरा लगातार बबल के बुलबुलों का या रिपीटेड रिवर्सल, रिवर्सल वर्ड यूज करना, रिवर्स मतलब लगातार निरंतर, निरंतर बबल वाटर बबल्स का एक ही दिशा में जाकर एक ही सरफेस से टकराना इज नोन एज फटीग। ये तो हम ट्रांसपोर्ट और फॉर्म दोनों में पढ़े, ये सब नो इज नोन एज फटीग एक्शन। फटीग एक्शन क्या होता है, रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस, रिपीटेड एक ही वर्ड इसके लिए यूज होता है, रिपीटेड रिवर्सल, मेरे को स्पेलिंग नहीं आता, तुम लिख लेना भाई अच्छे से, स्ट्रेस, रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस का मतलब निरंतर बार बार एक ही जगह, जैसे टायर ट्रांसपोर्ट में कहां पर बढ़ते हैं, रोड सरफेस में टायर का चक्का लगातार घूमा तो वहां पे तो चक्के का गड्ढा बन जाता है। कई बार देखते होगे रोडों में जब गर्मी पड़ता है खूब डामर पिघला रहता है और चक्का घों 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 घूम दिया तो वहां पे तो गड्ढा पड़ जाता है डामर के ऊपर, देखे हो एक चक्के का निशान आ जाता है, दैट वन इज रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस, बिल्कुल ट्रेन के पटरी जैसा, सबसे बेस्ट एग्जांपल में से एक। ठीक है, दिस वन इज नोन एज फटीग। तो फटीग एक्शन क्या होता है, बुलबुला निकलना क्या कहलाया, कैविटेशन, बुलबुले का ऊपर जाना, सॉरी निकलना तो निकलते रहेगा, वेपर का ऊपर जाना क्या कहलाया, कैविटेशन, लगातार बुलबुलों का एक जगह पर टकराना और स्ट्रेस पैदा करना इज नोन एज फटीग, और इससे जो क्रैक इसमें डेवलप होने वाला है उसको कहते हैं पिटिंग एक्शन। पिटिंग एक्शन क्या होगा सर,
ट्वीटिंग एक्शन के थ्रू इन बबल्स के कारण इस बॉयलर के सरफेस में क्रैक आएगा, इसे कहते हैं ट्वीटिंग एक्शन। तो सिर्फ कैविटेशन ही एक वर्ड नहीं है, जनरली आपके यूथ वगैरह के क्वेश्चन में सिर्फ कैविटेशन पूछा है, सिर्फ कैविटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग बुक सॉल्व करोगे तो आपको फिटिंग एक्शन भी मिलेगा, फटिंग एक्शन भी मिलेगा, सब इसी बॉयलर इसी कुकर के अंदर मिलेंगे। कहानी सबको समझ में आ गई क्या? यस और नो जल्दी बताओ, क्या कहानी सभी को क्लियर है? चलो कौन सिखाएगा इसको? कोई एक बच्चा इसको एक बार बोलेगा, बाकी सब लोग फिर लिखेंगे उसको देखते हुए। चलो कौन सुनाएगा इसको? सीखा मैम, चलो ट्राई करो। तो सीखा मैम, चलो ट्राई करो फटाफट से, कोई भी एक बच्चा सुना सकता है व्हाट इज कैविटेशन और इसमें क्या क्या होगा। शुरू करो, चलो ट्राई करो। चलो वीर सर ट्राई करो, तो ट्राई करो जल्दी से, व्हाट इज कैविटेशन एक्सप्लेन करो। तुम लोग यार सुबह सुबह गायब रहते हो। चलो प्रवीण सर ट्राई करो, तो कैविटेशन क्या है? नहीं, इतना सारा लड़का हो तुम लोग, बोलने से डरोगे तो कैसे? चलो भारती मैम कैविटेशन क्या है बोलो। ठीक है, रुको कुछ मैम, रुको मेरे को पूछने दो ना यार, आप लोग तो जो बोल रहे हो 6 जन 7 जन तो बोल ही रहे हो, मेरे को बाकी का भी मुंह कान खुलवाना है ना। चलो नागेश्वर सर खोल के देखो कैविटेशन क्या है। नहीं, योगेश सर बोलो। नहीं, थोड़ा और शुद्धिकरण करना पड़ेगा इसमें, इसीलिए मैं रिपीट करवाया इसको, अब इसको सुधार के कौन बोलेगा? चलो खुशबू आप बोलो, ट्राई करो, बोल रहे थे आप बोलूंगी करके, बोलो। ठीक, शाबाश। ठीक है योगेश सर, थोड़ा सा फिल्टर करना है फटीग और फिटिंग में, ये वाला चीज याद रखना। नेक्स्ट इसमें दो चीजें छोड़ दियो आप लोग, क्या चीज? वेपर ऊपर की ओर क्यों गया जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि उसको लो प्रेशर की ओर भागना था। अभी सुनना ध्यान से, कैविटेशन कब होता है? कैविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मत, स्टार्ट Because of low water pressure. Cavitation कब होगा पूछता है? जब पानी का प्रेशर क्या हो? कम हो, किसकी तुलना में? अब ये लाइन तो लिख देता है, तुम बताओ किसकी तुलना में पानी का प्रेशर कम है, किसकी तुलना में? जल्दी बोलो, वॉटर प्रेशर कम है किसकी तुलना में? बिल्कुल सही, वेपर प्रेशर की तुलना में। जब पानी का प्रेशर कम होगा तभी कैविटेशन की प्रक्रिया होगी, तभी बबल्स निकल के वेपर के साथ ऊपर जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? सबसे मेन स्टेटमेंट जो पेपर में पूछता है, व्हाट इज कैविटेशन, कैविटेशन क्यों होता है, कैविटेशन क्या होता है, ये तो बता दिया। बबल वेपर के साथ ऊपर जाना इज नोन एज कैविटेशन। चलो मैं लिखवा देता हूँ, क्यों मैं इसमें झंझट पालू, रिस्क ले लेता हूँ। वैसे लिख सकते हो तुम लोग, इतने टैलेंटेड हो, भरोसा करूं कि नहीं? चलो लिख लो यार, मैं लिखवा देता हूँ, काहे दर्द पालू। चलो कैविटेशन के बारे में लिखो,
जनरली इन बॉयलर फीड वाटर, जनरली इन बॉयलर फीड वाटर सामान्यता बॉयलर में भरे हुए पानी में सामान्यता बॉयलर में भरे हुए पानी में जनरली इन बॉयलर फीड वाटर ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ वेपर हिंदी में बोल रहा हूं, सामान्यतः बॉयलर में भरे हुए पानी को जब हम उबालते हैं सामान्यतः बॉयलर में भरे हुए पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी का प्रेशर वेपर के प्रेशर से कम होता है, पानी का प्रेशर वेपर के प्रेशर से कम होता है। नीचे पॉइंट नंबर वन Some quantity of water bubbles, some quantity of water bubbles also travels with during this time. Some quantity of water bubbles also travel with the ऑल्सो ट्रेवल दी पाथ लिखना ऑल्सो ट्रेवल्स नहीं यार ऑल्सो ट्रेवल विथ दी ठीक है ऑल्सो ट्रेवल विथ दी वेपर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो ट्रेवल्स विथ दी वेपर मॉलिक्यूल्स पॉइंट नंबर वन हिंदी में लिखेंगे इस दौरान पानी के बुलबुले इस दौरान वाटर बबल ही लिख लो हाँ पानी के बुलबुले लिखोगे इस दौरान वाटर बबल्स वेपर के साथ ऊपर की ओर कुछ वाटर बबल्स ही हैं इस दौरान कुछ वाटर बबल्स वेपर के साथ ऊपर की ओर जाते हैं वेपर के साथ ऊपर की ओर जाते हैं दोनों हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिखना दिस इज नोन एज कैविटेशन जिसे हम कैविटेशन कहते हैं स्टार मत डाल के नीचे डब्बे में घेर के एक लाइन लिखना है कैविटेशन इज बिकॉज ऑफ लो वाटर प्रेशर इनसाइड द बॉयलर कैविटेशन इज बिकॉज ऑफ लो वाटर प्रेशर इनसाइड द बॉयलर कैविटेशन बॉयलर के अंदर भरे हुए पानी के प्रेशर के कम होने की वजह से होता है कैविटेशन बॉयलर के अंदर भरे हुए पानी के प्रेशर के कम होने की वजह से होता है जिन्होंने कैविटेशन नीचे पॉइंट नंबर टू अब हेडिंग डालो फटीग उसी के अंदर ऐसे कुछ स्टार विस्टार कुछ मत डालना सिर्फ फटीग लिखो एक लाइन खींचो और डैश करो फटीग ये वाटर बबल हिंदी में पहले बोल डाल रहा हूं चलो हिंदी में बोल दे रहा हूं ये वाटर बबल जब लगातार बॉयलर की एक ही सतह पर टकराते हैं ये वाटर बबल जब लगातार बॉयलर की एक ही सतह पर टकराते हैं ये बॉयलर जब लगातार वाटर की एक ही सतह पर टकराते हैं तो ये बॉयलर जब लगातार वाटर की एक ही सतह पर टकराते हैं तो बॉयलर की उस सतह में जो स्ट्रेस रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट होता है तो बॉयलर की उस सतह पर जो रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस पैदा होता है बॉयलर की उस सतह पर जो
रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस पैदा होता है उसे हम फटीग कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन व्हेन ए सीरीज ऑफ वाटर बबल व्हेन ए सीरीज ऑफ वाटर बबल्स हीट ए पर्टिकुलर पार्ट, हीट मतलब वो मारने वाला हीटिंग ना, गर्म वाला हीट नहीं, मारने वाला हीटिंग, हीट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉयलर ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉयलर व्हेन ए सीरीज ऑफ वाटर बबल हीट ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉयलर हीट ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉयलर देन दिस रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस देन दिस रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस इज नोन एज फटीग देन दिस रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस इज नोन एज फटीग। तब इस रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस को हम फटीग कहेंगे। पॉइंट नंबर थ्री पिटिंग एक्शन। अगला पॉइंट वन डालिएगा, सिर्फ पिटिंग एक्शन लिखिए, एक लाइन लिखिए, खत्म करिए। TITING ना, ये भी मेरे को स्पेलिंग नहीं आता यार, सिंगल टी होता है कि डबल टी नहीं पता, देख लेना था तुम लोग। पिटिंग एक्शन, मेरा अंग्रेजी बहुत खराब है भाई, चलो लिख लो तुम लोग जल्दी से। पिटिंग एक्शन, पिटिंग एक्शन, चलो इसके अंदर आते हैं। व्हाट इज पिटिंग एक्शन, पिटिंग एक्शन के बारे में लिखेंगे दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस व्हेन ए डैमेज ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस व्हेन ए डैमेज ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर because of repeated reversal stress when a damage occurs on the surface of boiler then it is known as pitting action then it is known as pitting action ठीक है हिंदी में लिखेंगे repeated reversal stress की वजह से repeated reversal stress की वजह से boiler की सतह में जो नुकसान होगा रिपीटेड रिवर्सल स्ट्रेस की वजह से बॉयलर की सतह में जो नुकसान होगा उसे हम पीटिंग एक्शन कहते हैं देखो अब ध्यान सुनना सब लोग, एक्चुअल पीटिंग एक्शन बबल का फटना है, समझना ध्यान से, एक्चुअल पीटिंग एक्शन क्या है, बबल का फटना। मैं उस वर्ड को लिखवा ही नहीं रहा हूं क्योंकि बबल का फटना यदि बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो किससे रिप्रेजेंट होगा, बबल के फटने से जो एनर्जी निकली उसको कौन ऑब्जर्व किया, सरफेस ऑफ बॉयलर, बॉयलर का सरफेस अब्सॉर्ब किया और उसकी वजह से उस बॉयलर में डैमेज आएगा। तो बबल का फटना कहां से कैलकुलेट होगा, किस अमाउंट में एनर्जी हीट कर रहा है, रिपीटेड जितना बबल हुआ उसको जोड़ दो, वो पूरा हीट जितना भी अभी तक एनर्जी वो रिलीज किया वो पूरा इक्वल टू वो जो क्रैक होगा वो होगा। इसीलिए मैं पिटिंग एक्शन को डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं, तो उसमें जो डैमेज आएगा वो पिटिंग एक्शन कहलाएगा, लेकिन एक्चुअल जो पिटिंग एक्शन होता है वो उस बबल का फटना और एनर्जी को रिलीज करना होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तुम लोगों के लिए पर्याप्त है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें जिन लोग को अतिरिक्त जानकारी रखना है वो ये लिख सकते हैं, वेपर ऊपर की ओर में जाता है जबकि लो प्रेशर नीचे बन रहा है, क्योंकि इससे भी ज्यादा लो प्रेशर बाहर के एटमोस्फियर में है, ये एक स्टेटमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो, पर इससे रिलेटेड वो कैविटेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करो, आगे बढ़ेंगे, कैविटेशन भी कंप्लीट हो गया। हो गया, चित्र को बना लो, अब वो डायग्राम बना लो, काट तो डायग्राम से बहुत इजी आता रहता है, क्या पढ़े थे हम लोग, मिटा दिया मैं तो, तुम बना लो कुकर उकर बना के, बॉयलर का एग्जांपल कुकरे है। चल जल्दी जल्दी करो, अगले पॉइंट में जाएंगे। सबका हो गया,
चलो मुद्दे पे वापस आते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट में चलते हैं। पिटिंग एक्शन भी हो गया। हाँ, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट कैसे काम करता है, क्या 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 चीजें होती है। प्रेशर मेजरमेंट करने के अब हम कई प्रकार के उपकरण पढ़ने वाले हैं। मैनोमीटर इसी के अंदर आएगा, मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट। मैनोमीटर ही एक ऐसा यूनिट है जो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में पढ़े हुए एफएम का आपको याद होगा, थोड़ा बहुत चित्र वित्र नाम वाम बंसल के बुक का, एक वही चीज याद रहता है लोगों को, ज्यादा कुछ याद नहीं आता है एफएम का। मेरे ख्याल से मैनोमीटर आता है और फ्लो थ्रू पाइप का कॉन्सेप्ट याद आता है, Q1 A1V1 इज इक्वल टू A2V2 वाला, बस इतना ही याद रहता है लोगों को। एफएम में क्या पढ़े थे कॉलेज में, यही दो लाइन। चल फिर भी प्रेशर मेजरमेंट के अंदर आते हैं। प्रेशर को सामान्यतः सबसे आसान तरीके से मेजर किया जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से। ठीक है, मोस्ट इजिएस्ट वे है प्रेशर को मेजर करने का, बाय द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। हम सबसे पहला मेथड डालेंगे बाय बैरोमीटर। अब बैरोमीटर के थ्रू कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है और क्या होगा। बैरोमीटर बिल्कुल आपके थर्मामीटर के दिखने वाला ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या बोला मैं, बैरोमीटर जैसा आपने थर्मामीटर देखा है वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ग्लास की एक नली होती है, ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसमें रीडिंग्स लिखे हुए होते हैं, और इस ट्यूब के अंदर दोस्तों लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड का नाम रहता है मर्क्यूरी, पारा या हाइड्राजीरम, रिप्रेजेंट किया जाता है HG से, लिखा जाता है इसको मर्क्यूरी। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा ये मर्क्यूरी होगा, यहां पर रीडिंग्स बनी होंगी, कुछ इस तरीके से इसमें रीडिंग्स बनी होंगी। ठीक है, ये रीडिंग्स बनी हुई। अब जो पारा होता है वही इस बैरोमीटर में क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर मोस्ट इजी, इजिएस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, IEST लगा दूं बस, Y को हटा के। ठीक है, इजिएस्ट वे टू मेजर दी प्रेशर, मेजर दी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर दी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट ज्वाइन करते हैं यार कुछ स्टूडेंट, टाइम पे क्या करते हो, पैसा पटा करके मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, मोस्ट इजिएस्ट वे टू मेजर दी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोस्ट इजिएस्ट वे टू मेजर दी लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में आते हैं। बैरोमीटर के अंदर वाई सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं, वाई ओनली मर्क्यूरी इज यूज, सिर्फ मर्क्यूरी क्यों यूज किया जाता है बैरोमीटर के अंदर, इन साइड दी बैरोमीटर, ये भी लिख सकते हैं वाई ओनली मर्क्यूरी इज यूज इन साइड दी बैरोमीटर। चलो बताओ सिर्फ मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया जाएगा किसी बैरोमीटर के अंदर, क्योंकि नॉन वेटिंग फ्लूड है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। सिर्फ एक कारण नहीं है नॉन वेटिंग फ्लूड बस, पर बहुत बढ़िया एक एग्जांपल तो है, बिकॉज फर्स्ट इट इज ए नॉन वेटिंग फ्लूड। ब्रैकेट के अंदर तुम चाहो तो लिख सकते हो ये ग्लास में चिपकेगा नहीं, तो रीडिंग सही दिखाएगा। पॉइंट नंबर टू, ठीक है, पॉइंट नंबर टू, हैविंग वेरी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हैविंग वेरी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। अच्छा, वाटर का कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1 होता है। एक तो वन से देखो कितना ज्यादा, 13 गुना ज्यादा, 13.6 13 टाइम्स ऑफ वन, यस और नो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 13 गुना ज्यादा, हैवी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, सुनते चलना सब लोग ना। पॉइंट नंबर टू इसका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है सर, बहुत ज्यादा है इसका, मर्क्यूरी का। तीसरा, मर्क्यूरी में किसी भी प्रकार का सरफेस टेंशन वाला प्रॉब्लम नहीं आता, नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन, किसी भी प्रकार का सरफेस टेंशन नहीं प्रोवाइड करता मर्क्यूरी। फोर्थ रीडिंग, फोर्थ कॉन्सेप्ट, तीसरा हुआ इसमें सरफेस टेंशन नहीं है। ठीक है, मर्क्यूरी में किसी भी प्रकार का
सरफेस टेंशन नहीं है। लास्ट, कितनों टेम्परेचर आ जाए इसमें वेपर क्रिएट नहीं होता। पानी जैसे हम बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरिया में चल दिए प्रेशर नापने, अंदर का पानी अंदर ही कांच के अंदर भाप में बदल गया, रीडिंग दिखेगा क्या तुमको? नहीं दिखेगा। कोई भी लिक्विड होगा भाप में बदल जाएगा। नेग्लेजिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, नेग्लेजिबल तुम स्पेलिंग देख लेना, वेपर प्रेशर, इसमें किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत नेग्लेजिबल वे में होता है। इस वजह से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मर्क्यूरी यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैंने सारे रीजन लिखवा दिए हैं, ठीक है। व्हाई वी यूज मर्क्यूरी, तीन पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ, लिख लो जल्दी से पटाख से। चलो बैरोमीटर की कहानी खत्म। बैरोमीटर के थ्रू क्या यूनिट मिलेगा वो ना कहेंगे अपन, ठीक है। चलो लिखो जल्दी जल्दी पटाख से, लिख लो इतने को, फिर पटाख से आगे लिखवाऊंगा। आज यूनिट तक पढ़ा देता हूँ, कल मैं मैनोमीटर शुरू करूंगा, ठीक है। यस सर, हैविंग वेरी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है, याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, नो सरफेस टेंशन, नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर, किसी भी प्रकार का वेपर प्रेशर नहीं, न्यूनतम वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर से नुकसान क्या है, भाप की वजह से ऊपर बढ़ेगा तो रीडिंग हमको ज्यादा दिखाई देगी, और चूंकि लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर नाप रहा है तो ऑब्वियसली बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी पढ़ाया हूँ, बताओ जल्दी से। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या होता है, कम होता है। तो यदि भाप उसके अंदर आ जाएगा तो भाप तो ऊपर रीडिंग दिखाएगा, तो प्रेशर क्या दिखेगा तुमको, ज्यादा दिखेगा, यस और नो? तो भाप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ तुम लोग? नहीं होना चाहिए। चाहो तो पूरा लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी मैं एक ठोका सिखा सकता हूँ, क्यों सरफेस टेंशन नहीं होना चाहिए, क्यों वेपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्यों स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होना। चलो अभी सिखाई दूंगा, पहले लिख लो, एक एक चीज भी सिखा दूंगा उसके अंदर का, पहले लिख लो फटाफट, हो गया। ठीक है दोस्तों, सवाल, चलो अगले मुद्दे में आते हैं, यहाँ तक भी पहुंच गए, ये पूरा भी हो गया, ठीक है सवाल, अगले पॉइंट में आते हैं। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो गया, अब इसमें एक एक पॉइंट को डील कर लेते हैं, चलो फटाफट। इट इज नॉन वेटिंग फ्लूड, नॉन वेटिंग फ्लूड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब ये ऊपर चढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो ये जब नीचे आते जाएगा सतह में चिपके मत, सतह में चिपके रहेगा तो हमको रीडिंग गलत मिलेगी, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, हैविंग हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा, समझना ध्यान से, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कम होगा तो हमको क्या नुकसान होगा, जल्दी बताओ तुम लोग, बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी तो, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज रेशियो बिटवीन डेंसिटी टू दी स्टैंडर्ड डेंसिटी, डेंसिटी कोई सा भी हो सकता है, मास या वेट डेंसिटी, ठीक है, समझना सब लोग। अब इससे क्या होगा, ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु से, पानी वगैरह से, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर भी ज्यादा होगा, यानी कि एक बॉटल पानी और एक बॉटल पारा में, पारा बहुत ज्यादा भारी होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा भारी, कहानी सबको समझ में आ रहा है, जिससे कि इसकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। पानी थोड़े से फ्लक्चुएट मारेगा, थोड़े से प्रेशर में भी ऊपर नीचे करेगा, जबकि जो आपका मर्क्यूरी है वो जब परफेक्ट वो जगह आएगी, जब परफेक्ट वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा तभी वो ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो मास ज्यादा रखा हुआ है, वेट ज्यादा रखा हुआ है। कहानी सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीचे नो सरफेस टेंशन, यदि सरफेस टेंशन होगा तो हमको डबल रीडिंग दिखाई देगी, एक ऊपर की एक नीचे की, लेकिन यदि सरफेस टेंशन नहीं हुआ उस लिक्विड में, किसी भी प्रकार का सरफेस टेंशन नहीं पकड़ में आया तो हमको, अच्छा नॉन वेटिंग फ्लूइड में कोहेशन ज्यादा होता है कि एडहेशन ज्यादा होता है, कौन बताएगा जल्दी बताओ? कोहेशन ज्यादा होता है। अब जिसमें कोहेशन ज्यादा है उसमें सरफेस टेंशन क्या होगा, कौन बताए जल्दी बताओ? तुम लोगों को पूरा सिखाया हूं मतलब तरीके से, जिसमें कोहेजन ज्यादा है उसमें सरफेस टेंशन क्या होगा, जल्दी बताओ, ज्यादा कि कम? एक लाइन का जवाब है, सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द कोहेजन, ज्यादा होगा बाबू,
ज्यादा होता है, तुम मर्क्यूरी को देख के मत निकाल लो ना कैलकुलेशन अपना, मर्क्यूरी का रीजन कुछ और है। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। पहले तो सरफेस है, देखो पहले तो नॉन वेटिंग फ्लूड है, नॉन वेटिंग फ्लूड में कोहेजन ज्यादा होता है, कोहेजन जिसमें ज्यादा है उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। पलट के देख लो अपनी कॉपी, तो मर्क्यूरी में क्यों हमको सरफेस टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है? उसका रीजन दूसरा है, उसका रीजन है उसका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। चाहो तो लिख सकते हो, एक एक चीज का कारण सिखा रहा हूं तुमको, कोई भी अंदर खुदर देगा तुम पूरा उसका एबीसीडी उसको सिखा डालोगे। ठीक है, चौथा पॉइंट नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई है उसमें वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा, इजिली वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है। लिख सकते हो बिकॉज ऑफ हाई मास डेंसिटी इट कैन, ये इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया, लिख लिए, ठीक है। फॉर्मूला फॉर प्रेशर बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर के थ्रू फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर नापने का? पी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, रो इनटू जी इंटू एच, वेयर, ध्यान सुनो, वेयर और लिख देता हूं। अच्छा, रो और जी को क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? रो और जी को क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? इज इक्वल टू गामा इंटू एच, बिकॉज गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, यस और नो? पहले बताओ हाँ कि नहीं सर, नहीं बोलेंगे यार, जल्दी जल्दी सब लोग बोलेंगे तब इजी पड़ेगा। अरे जियो टेक में पढ़े हो, असर एफएम में तो हम देखे नहीं थे, आप तो पढ़ाए नहीं, जियो टेक में पूरा यही चला है तुम्हारे, नहीं चला है? इफेक्टिव स्ट्रेस से यही कहानी खेले हो तुम लोग, खाली और खाली 7 चैप्टर से यही तुम्हारा चला है, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, अरे कन्वर्ट कर लो ना भाई, ज्यादा है तो तुम इतना तकलीफ ले लेते हो। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नाउ वेट इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइडेड बाय वी, नाउ एम बाय वी इंटू जी इज इक्वल टू, व्हाट इज एम बाय वी, व्हाट इज एम बाय वी, रो इंटू जी, यस और नो? डेंसिटी दोनों है यार, ये भी डेंसिटी, तो पूरा बोला करो, मास डेंसिटी कहते। ठीक है, ये वेट डेंसिटी है तो मास डेंसिटी है। ठीक है, ये वाला चीज तुमको पता होना चाहिए था, हालांकि ठीक है, दूध भात है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर में आते हैं, पी इज इक्वल टू गामा इन टू एच, वेयर, अब यहाँ पे सारी चीजों को लिख देते हैं, वेयर रो क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रो क्या होगा, जल्दी से बताओ, मास डेंसिटी ऑफ कौन सा फ्लूड भरा है इसके अंदर में, जल्दी बोलो कौन सा फ्लूड भरा है, मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी का जी पता है अपन को, जी कितना होता है, जी ऑफ मर्क्यूरी, चलो बताओ, जी ऑफ एच जी, एच जी मतलब हाइड्राजीरम, मर्क्यूरी का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, तो मर्क्यूरी का कितना है 13.6, सो रो कितना होगा, जल्दी बताओ, रो कितना होगा, 13.6 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, अरे यार क्या लिख दिया, जी इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रो, क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, यस और नो? अरे तुम लोग भी यारो इतना नहीं निकाल पाओगे है? चलो बताओ 13.6 इंटू 1000 कितना होगा, जल्दी बताओ, 13,600, वही वही केजी पर मीटर क्यूब। फटाफट आगे तो नहीं बढ़ रहा हूं, समय कम बचा है, थोड़ा स्पीड चल रहा हूं, दिक्कत तो नहीं, ये तो निकालना जानते हो ना, अभी तो न्यूमेरिकल बनाया हूं इसका, तुम लोग कल तकलीफ दे देते हो ऐसी में है।
नहीं बना है उसका न्यूमेरिकल, तुम लोग रो ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, स्टैंडर्ड फ्लूड कौन होता है, वाटर, वाटर का रो कितना होता है 1000 kg per m³, ये वाटर है स्टैंडर्ड, मतलब ये कितना होगा 1000 kg per m³, जी दिया हुआ है 13.6, आपको पहले से पता है, तो 13.6 × 1000 kg per m³ रो किसका निकल गया, मर्क्यूरी का, रो ऑफ मर्क्यूरी कितना है 13600 kg per m³, ये तुम्हारा रो निकल गया। नाउ व्हाट इज जी, दो लिख सकते हो 9.81 और 10। अच्छा 9.81 का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो ना यारो, मीटर, जी का यूनिट, जी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड पर, ठीक है, ये 9.81 m/s² है, या फिर 10 m/s². अच्छा इसको वन भी लिखते हैं कहीं कहीं, कब लिखूंगा वन, या 0.981 भी लिखते हैं, कब लिखूंगा 0.981, कौन बताएगा। हाँ चलो ठीक है, न्यूमेरिकल के समय बताऊंगा उसको, अभी रहने दो, अभी ज्यादा में चीहर डालोगे तुम लोग। हाँ मैम बोलो, बिल्कुल, अभी सीजीएस यूनिट को बिल्कुल कह सकते हो, थोड़ा उसको न्यूमेरिकल टर्म में सिखाऊंगा, ज्यादा आसान पड़ेगा बाकियों के लिए, अभी ठीक है वो, सही है। एच इज इक्वल टू क्या होगा, जो हाइट मर्क्यूरी अचीव किया है उस पॉइंट पे, मान लो किसी पहाड़ के मैं जाके मैं बैरोमीटर कैसे रखता हूँ, तो बैरोमीटर ऐसे ऊपर उड़ जाता है, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो एच क्या हुआ, वो हाइट जो एच वो रीडिंग है प्रेशर का, वो बैरोमीटर ऑटोमेटिक नाप के दे दे रहा है। यदि आपको कैलकुलेट करना है हाथ से, तो मर्क्यूरी कितना ऊपर चढ़ा उसको स्केल से नाप लो, हाइट, जो हाइट, जो हाइट उस पॉइंट पर मर्क्यूरी चढ़ा है किसमें, किसमें, बैरोमीटर में, वो एच हो गया। इजी, क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, यस और नो, जल्दी बोलो भैया लोग, हाँ कि नहीं, इजी, ठीक है, थोड़ा तुम लोग को तकलीफ जा रहा होगा, पर इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कुछ है नहीं इसमें, बच्चा वाली आ गया, फटाफट लिख लो, हो गया, लिख लिया क्या, जल्दी बोलो, लिख लिया क्या, जल्दी बोलो, और एक आध जन बोलो फट से, ठीक, शाबाश। अब इधर देखो, तुम लोगों को मैं कुछ समय पहले सवाल पूछा था, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टेटमेंट बोला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है जहां से हम किसी भी पॉइंट का रिफरेंस लेते हैं, यस और नो, तो जल्दी बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जीरो प्रेशर एरिया है जहां से हम किसी भी पॉइंट का रिफरेंस लेते हैं, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ यही चीज बोला मैं, स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का सिखाया तुमको कि वो जीरो नहीं होता कभी भी, याद रखना, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आईएएस का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो नहीं होता। अब ना मान लिया ये थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया तुम लोगों का, ऑफिस वालों को दिक्कत जाता है, मान लेते हैं ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है एटीएम, ठीक है, अभी एक एक तो चीज सिखाऊंगा यूनिट, अभी तुमको सिर्फ अभी एक यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ही आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू, जो सबसे शुरू पेज में हमने लिखा है, फर्स्ट पेज तुम्हारा, उसके अलावा तुम अभी कुछ नहीं सीखे हो, अभी तुमको सब सिखाना शुरू करता हूँ, ये मर्कुरी वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा तुमने फॉर्मूला सीखा पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, किससे निकला ये, बैरोमीटर से, किससे निकला, बैरोमीटर से। नाउ यदि ये एटीएम का लाइन है, यहां से मैं 1 ATM नापता हूं, 1 ATM, तो माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है, कंसीडर किया जाता है, कंसीडर एज 1 ATM या इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर मेजर्ड बाय ए
बैरोमीटर व्हेन मर्क्यूरी मर्क्यूरी रीच ए हाइट ऑफ, ध्यान सुनना, 0.76 मीटर, ठीक है, व्हेन मर्क्यूरी रीच ए हाइट ऑफ 0.76 मीटर, और बोलूं तो 76 सेंटीमीटर और 7600 mm. देखो सही है क्या, गलत लिख दिया कुछ? देखिए 76, अरे यार 760 mm होता है मेरे से, हाँ ठीक बिल्कुल सही, मैं एक जीरो डाल, देखो ठीक है। इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना, एक अभी तक हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो नहीं होता बोल रहे थे, तो क्या होता है? अब पता चला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब एक बैरोमीटर अपने बैरोमीटर के अंदर का मर्क्यूरी वो हाइट वो प्रेशर जब बैरोमीटर के अंदर का मर्क्यूरी किस हाइट पे चढ़ जाए दोस्तों, किस हाइट पे चढ़ जाए जीरो से, जल्दी बताओ। वो प्रेशर जब बैरोमीटर के अंदर का मर्क्यूरी 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 mm के हाइट में चढ़ जाए, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी बोलो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, वह प्रेशर जहां पर जिसमें बैरोमीटर के अंदर का मर्क्यूरी 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 mm हाइट में चढ़ जाए, उसे हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। लिख लिए सब लोग, यस और नो बोलेंगे दोस्तों? यस सर, बहुत बढ़िया। सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। यही स्टेटमेंट हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, यस और नो? स्कूल टाइम से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, बताओ सब लोग समझ में आ गया लाइन अपन को सभी को? 1 atm कितने के बराबर होगा, 760 mm, जो Hg जो हाइट चढ़ेगा जो प्रेशर का, उसके बराबर होगा। नाउ 1 atm बराबर 760 mm ऑफ Hg है, सो 1 atm प्रेशर, 1 atm क्या चीज है, प्रेशर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। नाउ व्हाट इज रो, हमको रो पता है कितना था, 1360 की 13600 कितना था यार, 13.6 × 1000, 13600 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एच। व्हाट इज एच नाउ, मीटर में बताओ, मीटर में, क्योंकि तो मीटर में सारा चीज। व्हाट इज एच नाउ, 0.76 मीटर। चलो कैलकुलेट करो फोन से जल्दी, सब लोग फटाफट, सबको कैलकुलेट करना है ताकि सब लोग कोई चीज समझ में आए। 1 atm प्रेशर को और क्या लिख सकते हैं हम सर, तो 1 atm प्रेशर को हम और क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट करो फोन में जल्दी जल्दी सब लोग, यूनिट को भी काउंट करना। 101.3 क्या है, जल्दी बताओ, यूनिट भी काउंट करो, यूनिट भी काउंट करो। बोलो सर, यूनिट भी बताओ, बिल्कुल 101.3 तो आ गया, कैंसिल करो ना जल्दी फट 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 फट। केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ऐसा आता है, ठीक है। ठीक आ रहा है, केजी पर मीटर मीटर क्यूब मीटर पर सेकंड स्क्वायर 76, ये मीटर, ये मीटर इसको काटा, ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर आया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है।
यदि मैं केजी को न्यूटन में शो करूं तो नहीं कर सकता क्या? अच्छा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, कोई बताएगा क्या? 1 न्यूटन का यूनिट बताओ तो। थोड़ा खेल, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ, तुम लोग की मदद मांग रहा हूँ। मेरे को बताओ 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन का यूनिट बताओ। मैं भी इसको खेल के देखूँ ना क्या क्या ला सकता हूँ, बताओ तो। कोई नहीं, बोलो ना यार। हो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? हाँ बोलो मैडम। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं करूं, अब करो तो इसको, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर आ गया, देखो मजा आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन दिमाग सब लगा लेते हैं। चलो इधर देखो, ये समझ में आया क्या मुझे? ठीक है, तुम लोग नहीं आया, बोलो आया समझ में कि नहीं बाबा? नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, दूध भात। इधर देखो इधर देखो, इसको मैं खेलने की कोशिश कर रहा था कि कुछ बदल सकता हूँ क्या मैं इसको किसी यूनिट में, ठीक है? मैं एक्चुअल में न्यूटन या पास्कल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आ जाएगा। और वो अब देखो, इधर पे है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर हमको क्या पता चला? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। दोनों साइड में यदि मैं डिवाइड मीटर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं तो क्या आ गया इधर? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये कैंसल हो गया, 1 मीटर बचेगा नीचे में ना, है ना? ठीक है। हाँ तो यही चीज आ गया, यस आर नो, जल्दी बताओ, यही चीज आया कि नहीं आया? देखो ये देखो, इज इक्वल टू केजी मीटर। अरे मैं कर क्या रहा हूँ? हाँ नीचे मीटर, हाँ, ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अब कंफ्यूज कर दिए तुम लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं। ये चीज आया तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ। 101.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे अलग से डब्बा बना देता हूँ, बताओ है क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ, पास्कल लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, 1 पास्कल लिख सकते हैं? ठीक है लिख सकते हैं सर। तो ये हो गया 101.3 पास्कल, यहां तक तो लटपट पहुंच गया हूं मैं, ठीक है सही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, 101.3 पास्कल। अच्छा ये तुम लोग के काम आएगा क्या? पहले यहां तक पहुंच जाओ तो, सब लोग ये कोचा काची को भी समझ लो, वहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे और नया नया यूनिट निकालेंगे ना ब्रो, तुम काहे चिंता करते हो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो। हाँ हो गया, ऐसा कौन गलत बताया यार? चलो आएगा, वही आएगा, 101 के बाद बोलो मैम, 396.16। आवाज बहुत बढ़िया, मैं चाह ही रहा था यही है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 101.396.16 पास्कल लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। चलो चलो सब लोग करो, यहां तक पहुंचो अब, ठीक है? मतलब गुणा भाग तुमने कुछ गलत कर दिए होगे गुणा में, इसमें इसलिए 101.3 आ गया। 101.396.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और करके लिखना ना, और ये हो गया। चलो हो गया, यहां तक पहुंच गए सब लोग? जल्दी बता। नहीं भाई, जो है उसी को चुपचाप मल्टीप्लाई करना था, क्या केजी ओजी क्यों कन्वर्ट करना, केजी तो ऑलरेडी दिया है। चुपचाप 13,600 को 9.81 इंटू 0.76 करना था और आंसर देना था। उसको कन्वर्ट वनवर्ट कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट करके देते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता, मेरे को सब करना ही नहीं पड़ता, मेरे पता है वो क्या था, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हुआ ना कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। अब यदि मेरे को तुम 101.3 किलो पास्कल अभी आएगा वो देखना, वो ला के देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। चलो छोड़ो सबको, तुम यहां तक पहुंचो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हो गया, और बताओ एक दो जन, बोलो इधर को मिटा रहा हूँ, ठीक है ये बस खत्म कर दिए हम लोग। अच्छा इसी को और क्या लिख सकते हैं, और 101.3 लिख सकता हूँ किलो पास्कल। किलो मतलब कितना होता है, 10 to power 3 होता है, यस और नो? इसको लिख देता हूँ into 10 to power 3, देख लो सब लोग, ठीक है? तुम चाहो तो इसके आगे 396 भी जोड़ सकते हो, पॉइंट के बाद 0.396 नहीं लिखने की जरूरत है, नहीं लिखो पास्कल। तो 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ? 101.3 किलो पास्कल, यस और नो? बोलो भैया सब लोग, बिल्कुल सर सही है, बिल्कुल। यहां तक सबको समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, हाँ कि ना? ठीक है चलो। एंड अब ये तो एक एक आया रीडिंग, एक रीडिंग आया, यानी कि 1 ATM बराबर कितना होता है दोस्तों, चलो बताओ 1 ATM बराबर कितना होता है पास्कल में, 101.3 किलो पास्कल या 101.3961 पास्कल, ठीक है? न्यूटन मीटर में भी तुमको दूसरा आंसर मिल चुका, सब एक साथ लिखेंगे जितने रीडिंग से आए। एंड और क्या होता है, 1 N/mm² इज इक्वल टू, देखो एमएम स्क्वायर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to power 5 होगा कि 6 होगा, mm² 6 होगा, N/m², यस और नो? ये होता है, गलत लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, तुम बताओ? सही है, शाबाश। नाउ तो ये तो पास्कल हो गया, ये कितना पास्कल हुआ किलो में, एक अतेक किलो हो, 10 की घात 6 है, तो किलो के भी आगे का एक चीज होगा ना, यस और नो बोलो ना भैया, यस और नो? ठीक है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, 10 to power 3, पहले तो इसको 10 to power 6 पास्कल ही लिखता हूं, फिर लिखता हूं और करके इसी के नीचे में 10 to power 3 किलो पास्कल लिखता हूं, फिर और करके इसी के नीचे लिखता हूं 1 MPa, ठीक है? अब सबको क्लियर हुआ, यानी कि नाउ 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 अब तुमको क्या क्या पता चला, 1 MPa इज इक्वल टू 10 to power 6 पास्कल, 1 kPa इज इक्वल टू 10 to power 3 पास्कल, इससे एक और होता है 1 GPa और बड़ा होता है 10 to power 9 पास्कल, वो नहीं आया है अभी, कभी आ गया तो उसको भी रख लेना। ये क्लियर सबको? बोलेंगे थोड़ा तेज चल रहा हूं, मेरे को पता है मैं क्या करूं, FM ऐसी चीज है ना, मजा बहुत है पर सजा भी बहुत है, एज ए इंस्टीट्यूट इस बीच में एडमिशन 0 करना पड़ता है हमको, 2 महीना कोई एडमिशन नहीं होगा, या तो मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तो साथ में खींचूंगा उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमारा कोचिंग FM से भागता है, हम वो भागने वाला चीज बहुत पीछे छोड़ा है। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पास। यहां तक का कहानी खत्म, 10 to power 3 पास्कल तक भी पहुंच गया अपन, ओके बहुत बढ़िया। क्या बच गया, बच गया 10 to power 3, रुको क्या क्या लिखे थे यार, पहले एक जगह लिख लें क्या, क्या क्या लिखे हम लोग, चलो बताओ तो। 101.3 101.3 बोलो जल्दी से, पास्कल, क्या पास्कल, किलो पास्कल, सॉरी 101.3 क्या हुआ, किलो पास्कल हुआ, जल्दी बताओ, यस और नो?
किलो पास्कल हुआ, फिर आया 10^9 गीगा, फिर आया बार, अब बच गया एक बार, बार बच गया, ठीक है। 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, ये याद करना पड़ेगा ना अपन को, एंड करके लिख लो, नया है एक तो, एंड 1 bar इज इक्वल टू 10^5 पास्कल, तो इसको भी तोड़ सकते हैं, 1 bar इज इक्वल टू 10^3 इंटू 10^2 पास्कल, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो, ये 3 है ना, नाउ 10^2 किलो पास्कल लिख सकता हूं इसी को, मैं बोलो नाउ 10^2 को 100 किलो पास कर लिख सकता हूँ, 1 bar इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं भैया, यस सर, ओके सर, तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बड़ा कौन है पूछता है क्वेश्चन में, 1 ATM या 1 bar, तुम लोग बताओ, देखो 1 ATM इज इक्वल टू 101.3 KPa और 1 bar इज इक्वल टू 100 KPa, तो कौन बड़ा हुआ जल्दी बताओ, 1 ATM इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल, तो 1 ATM इज ग्रेटर देन 1 bar कितने से, 1.3 किलो पास्कल, क्लियर क्या सभी को, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है दोनों, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लेना, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है दोनों। चलो अब हम इधर पे लिख रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट करने के, जितने भी हमारे पास यूनिट आए सबको लिख के चलते हैं फटाफट, यूनिट फर्स्ट न्यूटन पर mm², ठीक है, फिर यहां लिखते हैं 1 newton पर mm² इज इक्वल टू 10^6 न्यूटन पर m² इज इक्वल टू 10^6 पास्कल इज इक्वल टू 10^3 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 MPa, पहले तो एक ये लिख लेते हैं अपन सेटअप, इजी, एक ही में सब आ गया, यस और नो, चलो बताओ समझे कि नहीं, ए, मैं आखिरी रिवीजन पे लिखवा रहा हूँ, रिवीजन है समझ लो, आज का रिवीजन है, यही मेरे को सिखाना था बस, कल से नया चीज शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ 1 ATM इज इक्वल टू, तीन अलग अलग है, 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताओ, अभी निकाले थे, 1 ATM इज इक्वल टू 101.396.16 न्यूटन, सॉरी kg m/s² इज इक्वल टू 101.396.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 101.396.16 पास्कल इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल 1 ATM इज इक्वल टू, यहां पे एक और लिख सकते थे 1 bar इज इक्वल टू 10^5 सॉरी पास्कल इज इक्वल टू 100 KPa, ये हमारा फाइनल रिवीजन हो गया, इतने में हमारा सारा प्रेशर का यूनिट और फॉर्मूला आ गया, जिससे हम आगे के सारे न्यूमेरिकल धड़ाधड़ बनाएंगे, अब कोई टेंशन नहीं अपने को, यस और नो, ठीक है शाबाश, बहुत बढ़िया, अब तुम लोग को एक चीज सिखाना बच गया, 5-6 मिनट नहीं अब हो गया, आज ज्यादा अति नहीं मचाऊंगा, अरे कल मैं पढ़ा लिया रहता बहुत हो जाता, पर मैं वही नहीं कर पाया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, आना आने ही पड़ गया काम के कारण, अब मैं फुर्सत हो गया हूँ, ठीक है, अब तुम लोगों को जाना पड़ेगा, अब जाओ मजे करो, कुछ दिक्कत होगा तो बताऊंगा, एक टॉपिक छोटा सा छूटा है कि एक वाटर एक यूनिट चढ़ेगा और एक यूनिट मर्क्यूरी चढ़ेगा और एक यूनिट वेपर चढ़ेगा, तीनों में कितना कितना अंतर आएगा, ठीक है, यानी कि एक यूनिट मर्क्यूरी चढ़ेगा तो उस समय वाटर को कितना ड्रॉप डाउन होना पड़ेगा, अच्छा ये बताओ मर्क्यूरी जो प्रेशर नापेगा एक यूनिट, ऑब्वियस सी बात है वाटर उतना नहीं नाप पाएगा, तो उस समय जब एक यूनिट मर्क्यूरी प्रेशर नापेगा तो वाटर किस ड्रॉप डाउन में जाएगा या मर्क्यूरी किस ड्रॉप डाउन में जाएगा वो अपन को निकालना, हालांकि नहीं पूछता पर हम फिर भी पढ़ाऊंगा इस बार,
ठीक है, चलो जाओ मजे करो, बाकी चीजें कल, कल मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा या यहीं से लूंगा क्लास, अभी फिक्स नहीं है लेकिन बताऊंगा। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, पास्कल बाबू। आप लोग बताओ क्या होगा। कम होता है, बिल्कुल सही है। क्यों होता है लेकिन कम? क्योंकि सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोहेजन के ऊपर। पानी का कोहेजन, कोहेजन क्या होता है? इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन। पानी का कोहेजन ज्यादा कि वेपर का ज्यादा कि गैस का ज्यादा, बोलो। पानी का ज्यादा, तो जिसका ज्यादा उसका कोहेजन ज्यादा, जिसका कोहेजन ज्यादा उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा। अब वेपर में कोहेजन कम तो सरफेस टेंशन कम, गैस में और कोहेजन कम तो और सरफेस टेंशन कम। तो टेम्परेचर बढ़ने पे पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ, सरफेस टेंशन कम हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा गैस में कन्वर्ट हुआ, सरफेस टेंशन और कम हुआ बिकॉज ऑफ कोहेजन। बच्चा वैल्यू ठीक है। और कोई डाउट किसी को?